थैंक यू। अच्छा जी, कल और परसों की भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमें अगर किसी भी फील्ड में जंप इन करना है, तो हमने बात की थी कि हमें अगर 100 घंटे मिलते हैं या 100 दिन मिलते हैं एक दरख्त को काटने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि 90% जो टाइम है वो हम अपनी स्किल्स को बेहतर करें, अपनी आरी को तेज़ करें, एंड देन 10% सिर्फ जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे ना, वो हमारा काम हो जाएगा, उससे पर्पज़ निकल आएगा। हमारी जो कुल्हाड़ी है दरख्त काटने के लिए, वो भी अगर तेज़ नहीं होगी तो फिर हम उसको चलाते रहें दरख्त पे, दरख्त नहीं कटेगा। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हम उस पर फोकस करें। इसीलिए हमने अपनी थ्रू आउट दी जर्नी जो हमारी अभी तक कोचिंग की रही है, उसमें हमने स्ट्रैटेजी पे बहुत फोकस किया। जिन 5 चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ, उसमें सबसे पहले ही स्ट्रैटेजी आती है। इफ़ यू कैन थिंक देन यू कैन एग्जीक्यूट। आपने सोचने की सलाहियत को बेहतर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा तो आई विल विन। आपका इंटरेस्ट अलग होता है, आपका स्किल सेट अलग होता है, आपकी पूरी लाइफ की ग्रोथ बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जैसे हमने बात भी की थी कि एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग इन टू वन डायरेक्शन, सबके ट्रैक्स डिफरेंट हैं। हाँ, मिक्स हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं फॉर अ बिट टाइम बींग। जैसे रेलवे में पटरियाँ चलती हैं तो कभी कभी वो एक दूसरे के ट्रैक यूज़ कर लेती हैं, बट जर्नी सबकी टोटली डिफरेंट होती है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, चाहे आप ब्लॉगिंग करें, चाहे आप यूट्यूब मार्केटिंग करें, या चाहे जैसे हमने ई कॉमर्स में डिस्कस किया था प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, तो आपने सबसे पहले अपना जो नीश है या अपना जो फोकस है, वो कहते हैं ना किबला जो है, वो आपने अपना दुरुस्त करना है। ब्लॉगिंग करनी है तो किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब वीडियोज़ बनानी है तो किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी है, और इसी तरह ई कॉमर्स करना है तो किस प्रोडक्ट को लेके ई कॉमर्स करना है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फर्स्टली, आपका सबसे मेजर जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि व्हाट यू आर गुड एट, आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी अपनी स्किल्स किस चीज़ में है। बहुत से लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, स्किल्स किसी और चीज़ में भी हो सकती हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन के लिए जो है ना इंटरेस्ट और स्किल्स एक ही चीज़ में होती हैं, बट ओवरऑल जो है ना उनकी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो उनको किसी और डायरेक्शन में लेके चल रहे होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, इसकी कोशिश करनी है कि अपना फोकस जो है ना वो आपने एक जगह रखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट टॉपिक या नीश ऑफ योर चैनल। टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं। आप में से कोई है जो लेट्स से बायोलॉजी की फील्ड में अभी स्टडी कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट है, आपने अपना जो है ना उसको एज अ फील्ड ऑफ करियर अपनी चॉइस सेलेक्ट किया है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना बेहतर लगता है। तो द मोर यू नो, द मोर यू लर्न, स्टार्ट टीचिंग अदर्स, स्टार्ट शोइंग अदर्स। बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हमें हैरान कर सकते हैं कि अच्छा, ये चीज़ें भी होती हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो चीज़ें आपको एक नॉर्मल लेमैन को नहीं पता होती, इस तरह की चीज़ें जो बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं। आज एक मैं फेसबुक पर पोस्ट देख रहा था, किसी ने आधा टमाटर काटा हुआ था और उस टमाटर में के अंदर जो बीज थे वो एक शेप में थे ऑफ अ ट्री, मतलब इट लुक लाइक कि एक पूरा दरख्त है उसके अंदर बना हुआ। तो इट लुक्स काइंड ऑफ अ फैसिनेटिंग कि कितनी माइक्रो इंजीनियरिंग हुई भी होती है इवन इनसाइड दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आई डोंट नो ये जूलॉजी है या बायोलॉजी में आ जाता है ये, बट स्टिल इट्स समथिंग रिलेटेड टू साइंस। तो आप इस तरह की भी चीज़ें आप चाहें, मतलब टॉपिक आपके पास हज़ार हो सकते हैं, लेकिन पहले नीश जो है ना आपने डिफाइन करनी है कि अच्छा, मैं बात मोर और लेस इस टॉपिक के बारे में करूंगा। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल में शायद बॉटनी भी बायोलॉजी की ही ब्रांच के अंदर आती है। यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग भी हो सकती है। एक तो मार्केटिंग वो होती है जो गूगल एड्स पे होती है कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं और एड चलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, यूट्यूब चैनल के थ्रू जो आप मार्केटिंग करते हैं उसको फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, कि आपने अपने चैनल के ट्रैफिक को कहीं और राउट करना है, किसी और के वेबसाइट के ऊपर या किसी और के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि उसको कहाँ पे ट्रैफिक चाहिए। अब टॉपिक की अगर मिसाल लें तो पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर टॉपिक्स की अगर बात करें तो प्रैंक्स बड़े मशहूर होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे न्यूज़ बड़ी पॉपुलर होती है, यहाँ पे हकीकत टीवी जैसे जो है ना
जो चैनल्स हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं, यहाँ पे ड्रामा बड़े मशहूर होते हैं। तो ये सब एक एक टॉपिक है, एक एक नीश है। अब आप इसमें किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट पाकिस्तानी ड्रामों में, आप उनके रिव्यूज देना शुरू कर दें, आप उनको डिस्कस करना शुरू कर दें, ठीक है? तो सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। आप एक चैनल पे मल्टीपल कंटेंट भी बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट नीश भी बना सकते हैं, लेकिन उसको फिर इस्टेब्लिश करना, पब्लिश करना ना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अलग अलग टाइप की ऑडियंस को केटर करना। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक ही वक्त में कुकिंग भी कर रहे हैं और एक ही वक्त में आप लेट से कंप्यूटर साइंस की कोचिंग भी दे रहे हैं, तो जो कुकिंग देखने आ रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस की वीडियोस जब आप अपलोड करेंगे तो वो फॉल बैक करेगा। दैट मीन्स आपकी उन वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उससे आपकी रैंकिंग फ्लक्चुएट होती है। इट्स बेटर कि आप नहीं सर, सेम, जैसे कि हम कुकिंग की वीडियोस भी डालें और साथ में कोई दूसरे व्लॉग्स भी डाल सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में कर दें उनको अगर अलग अलग। ये चीज कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसमें ना आपकी नीश एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल लाइफ को ही दिखा रहे हैं, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को, एंड साथ में खाना भी इज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, तो आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट आप ओके सर, प्लेलिस्ट बना थैंक के यू। आप उसको अपने, आपको फिर एक अच्छा, फिर अगेन उसमें एसईओ के थोड़े मसले आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने चैनल का नाम रखा लेट से के योर नेम्स व्लॉग्स, तो वो व्लॉगिंग की ही कैटेगरी में कंसिडर होगा। अगर आप उसमें कुकिंग या शेफ की तरफ जाएंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो इंकॉर्पोरेट नहीं हो पाएंगी आपस में, मतलब आप खुद को मार्केट करने के लिए ना हमेशा डबल माइंडेड रहेंगे। इट्स बेटर कि स्टार्ट, देखें जितने भी चैनल्स आपने देखे होंगे ना, वो स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक एक नीश से, उसमें अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं देन दे स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लेलिस्ट, एंड फिर वो अपने नए नए चैनल्स भी बना देते हैं उसी के। मतलब अगर हम स्टार्ट करें कुकिंग से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले कुकिंग में थोड़ा फेम हो जाए, मिल जाए, इसके बाद हम प्लेलिस्ट बनाकर दूसरी नीश पर कोशिश जाएं। करें हाँ ऐसे टॉपिक या नीश से शुरू करें कि जिसकी डिमांड भी हो और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि हाँ इसमें तो मुझे व्यूज मिल ही जाएंगे, एंड देन उसके बाद आप फिर फर्दर उनको मूव करें टूवर्ड्स मोर थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू शो। अगर ओके सर, कुकिंग थैंक में यू। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई थिंक वो जो इंडिया की जो है व्हाट्स हर नेम, दीपिका कक्कड़, द व्लॉगर दीपिका कक्कड़ जो बिग बॉस जीती भी थी, उसकी सिस्टर है, वो बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं और साथ में वो लोग ये सारी चीज़ें भी करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दीपिका शोएब, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको साइमल्टेनियसली इन सब चीज़ों को लेके चलना है। एग्जैक्टली, पता सबको है, मतलब सब देख रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल सारे, ठीक है? चले गुड। अच्छा तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नीश सिलेक्शन, फाइंड योर पैशन। स्लाइड चेंज हो गई है सबकी? नहीं, स्लाइड ट्रेन नहीं मिले। अच्छा नहीं हुई? ओके जी, नीच सिलेक्शन पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड योर पैशन। फॉर एग्जांपल इफ यू लव टू कुक देसी फूड यू कैन मेक देसी फूड चैनल, देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग टू देसी फूड कुकिंग टू पंजाब देसी फूड कुकिंग टू रूरल पंजाब देसी फूड कुकिंग, जितनी ज्यादा आप अपनी माइक्रो नीच पे काम करेंगे ना उतनी ज्यादा आपको इंडिविजुअलिटी और उतनी ज्यादा आपको आप कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी, और साथ में एक स्पेसिफिक आपकी फैन फॉलोइंग बनेगी। अदरवाइज खाने के चैनल आजकल बहुत हैं, सो वाई वुड एनीवन फॉलो यू? जैसे एक पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर आई थिंक वो चल रहा है विलेज विलेज फूड करके कुछ है वो, तो वो भाई सब विलेज में रहते हुए ना सारे खाने वगैरह बनाते हैं और दिखाते हैं, दी ऑर्गेनिक थिंग्स एंड ऑल, ठीक है? क्या नाम है उसका? मुबशर नाम है। ओके सो उसको अगर आप फॉलो करें तो ओके आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है ना आप ऑर्गेनिकली
चीजों से खाने बड़े अच्छे अच्छे बना सकते हैं। तो उसने एक बड़ी माइक्रो नीच डिफाइन की। उसने ये नहीं कहा कि मैं खाने बनाता हूँ या मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं देसी खाने बहुत अच्छे बनाता हूँ। उसने कहा भाई मैं विलेज में रहते हुए विलेज की चीजों से ही बहुत अच्छे जो है ना खाने बनाता हूँ। और उसके वो चैनल चला और वो फैसिनेट किया बड़ा, स्पेशली जो शहरों में रहते हैं लोग, इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस को। तो उसने अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट की। देखिए सिंपल है, आपको एक बहुत बड़े क्राउड में स्टैंड आउट करना है। ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ये सब किस तरह से सेलिब्रिटी बनते हैं, बिकॉज दे वर्क ऑन द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग आउट। उनमें कोई ऐसी काबिलियत होती है जो उनको बाकियों से स्टैंड आउट करती है, या उनकी कोई एक चीज ऐसी चल जाती है जो प्रॉपर वायरल हो जाती है, जिसकी बेस पे वो पूरी जिंदगी अपनी गुजार देते हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे सिंगर्स हमने देखे 90s में जिनका सिर्फ एक गाना मशहूर हुआ है, लेकिन वो आज तक उनको कॉन्सर्ट्स पे बुला वो वही गाना गाएंगे और ऑडियंस उसी तरह खुश होती है, क्योंकि वो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू बन गई है या एक एसोसिएशन बन गई है। एंड दैट बिकेम देयर माइक्रो नीश, के लोग सिर्फ उनसे वही सुनना चाहते हैं। वो बाकी और गाने उन्होंने रिलीज किए लेकिन पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। सेम चीज आपने कोशिश करनी है, बेशक माइक्रो नीश पे काम करें और स्विच कर लें अगर इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, लेकिन कोशिश ये करें। देखें जितना ज्यादा आप खुद से करीब तर या खुद से ऑनेस्ट होकर अपनी नीच डिफाइन करेंगे ना, तो आप उसको कभी भी बंद नहीं करेंगे। यार मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे जो है ना उनके उनके साथ में काम कर चुका हूँ, तो एक बस उनकी रिगार्ड है। ओके सो ये चीज है कि अगर आप अपने से खुद से ऑनेस्ट रहते हुए अपनी पर्सनल जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं या पर्सनल जो आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड अगर आप बात करेंगे ना, तो आप उससे बोर भी नहीं होंगे और आप उससे उकताएंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए अगर आपकी माइंड में होगा ना पैसे कमाने, तो आप ये देखेंगे कि कहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर आप काम करेंगे पैशनेटली तो आप बस काम करते रहेंगे, फिर आपको ये फिक्र नहीं होती। देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ हॉबी कि हाँ ठीक है मैंने जो कुछ सीखा है नाउ आई एम टीचिंग अदर्स, या मैं इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं अब इस फील्ड से रिलेटेड बातें दूसरों को बताता हूँ। इनफैक्ट जब मैंने ये स्टार्ट किया था ट्रेनिंग या इस तरह के सेशंस की कोशिश की थी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे ये लगता था कि मैं जो हूँ ना सिखाऊंगा, मतलब आई विल बी द टीचर एंड आई विल बी टीचिंग पीपल। बट ड्यूरिंग दीज सेशंस इतनी चीज़ें हैं जो मेरी साथ में रिवाइज भी होती जा रही है, मैं रिविजन भी करता जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बिल्कुल भूल भी चुका था, वो भी मुझे दोबारा से रिकॉल हो गई कि हाँ दिस दिस वाज द बेस ऑफ इट, दिस वाज द चीजें। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो भी आपको मिलती रहती हैं इफ यू आर स्टिकिंग टू योर फील्ड, इफ यू आर स्टिकिंग टू योर इंटरेस्ट। तो चाहे आप सीखें चाहे आप सिखाने वाले बन जाएं, यू स्टिल कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, दैट्स वाई वो फिर आपको कनेक्ट रखता है आपकी फील्ड से, आपकी नीच से, कि यार दोनों सूरतों में फायदा आपका हो रहा है। ओके स्लाइड चेंज हुई है, हो गई सबकी। सिलेक्शन पे ही है। नीच सिलेक्शन की तो हेडिंग है, नीचे पॉइंटर्स चेंज हो गए। हाँ यस सर, सी व्हाट ट्रेंडिंग राइट नाउ। ठीक है ओके सो सबसे पहले नीच सिलेक्शन के लिए आपने क्या करना है जी, देखना है कि व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है जी। आजकल अगर आप एनएफटी के बारे में एनएफटीपी के बारे में सॉरी एनएफटी के बारे में बात कर लें तो यू आर द ट्रेंड। आजकल आप अमेजोन के बारे में बात कर लें तो यू आर द ट्रेंड। आजकल आप ये कौन सा ड्रामा भी आजकल चला है, परिजात परिजात, परिजात के बारे में अगर आप बात करें तो देन यू आर ट्रेंडिंग। आप आजकल मे बी आई डोंट नो और क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, ये सिन्फे आहन जो एक ड्रामा चल रहा है उसके बारे में। ठीक है गैस भी है सर, पाकिस्तान में गैस नहीं, ये भी टॉपिक हाँ चला है। ठीक है। अब ये देखें गैस वाला टॉपिक टेम्पररी है, ड्रामा नीश इज परमानेंट। अगर गैस के टॉपिक पे आप बात करेंगे तो इट बिकम्स करंट अफेयर्स, या वेब सीरीज आप के ऊपर भी आपके रिव्यूज वगैरह बड़े आजकल, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स और इस तरफ हाँ लोगों आप का रुझान रिव्यूअर है बनना तो चाहते हैं, आप रिव्यूज, ये सारी चीजें ट्रेंडिंग चल रही हैं। मतलब जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं आपको मोर और लेस ये चीजें नजर आती हैं, जो ट्यूटोरियल्स होते हैं जो काम की चीजें होती हैं वो कभी भी आपको ट्रेंडिंग पेज पर नजर नहीं आती, वो आपको सर्च करनी पड़ती है। सो दैट मीन्स के वॉट पीपल वॉन्ट टू सी आप उसको देख सकते हैं, और अगर उसमें से कोई ऐसी कैटेगरी है जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से मैच करती है, देन इट मीन्स के आप के लिए ना बहुत अच्छी चीज है कि आप जिस नीच पे काम कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग भी है।
तो आप ये google.com/trends, youtube.com/feed/trending दोनों पे जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. आइसक्रीम डांस भी देखें, ये उसी तरह का जो है एक टेम्परेरी वो है, वायरल एलिमेंट है, जिस तरह से बहुत सारे इस तरह की एक वो आइस बकेट चैलेंज आया था, फिर इसी तरह पिछले अभी लॉकडाउन में एक वो डेलगोना कॉफी आ गई थी. तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत जो है ना थोड़े टाइम के लिए आती हैं, वायरल होती हैं, लेकिन फिर वो चली जाती हैं. आप इस जी एक चीज पूछनी थी, जैसे ये चैलेंज चलता है बकायदा, किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर चैलेंज कर दिया और फिर सारे जो है वो उसको ट्राई कर अपनी जो है वो वीडियो या पिक्चर लगा रहे हो, तो ये भी किसी कैंपेन का हिस्सा होती है या फिर जस्ट ऐसी? हाँ नहीं नहीं कैंपेन का हिस्सा होती है, प्रॉपर कैंपेन का हिस्सा होती है. बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज में बोर्ड रूम में बैठ के डिसाइड किया जाता है कि हम एक फॉर एग्जांपल गाना रिलीज कर रहे हैं या मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो अब उस मूवी की प्रमोशन करनी है ना, प्रमोशन के लिए ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हैं, ठीक है मॉल्स वगैरह में क्या करें, तो अब एक प्लान बनता है कि सोशल और डिजिटल पे क्या करेंगे. सोशल डिजिटल पे भाई पैसे लगाएंगे तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो ऑर्गेनिक रीच लेकर आए. तो भाई ऋतिक रोशन की मूवी रिलीज होती है तो वो जो है ना उसका एक वो बना लेते हैं, रणवीर सिंह जाके सिग्नल पे डांस कर लेते हैं और वहां से वो एक चीज वायरल हो जाती है. या फिर आजकल एक बड़ा ये हुक स्टेप चैलेंज जो है ना वो बड़ा चलता है कि किसी भी गाने के कुछ हुक स्टेप्स जो वो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप भी ये परफॉर्म करें, या मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी और आर्टिस्ट को. तो आर्टिस्ट क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, पीपल जो है जो फैंस होते हैं वो भी उनसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं या उनको देख के खुश होते हैं. तो अगर उनको लगता है कि अच्छा इनका जो जिनको ये एडमायर कर रहे हैं वो अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो उसकी सपोर्ट में हम भी कर देते हैं. तो इस तरह से वो चीज़ ना उन सेलिब्रिटीज होते हैं, उन सेलिब्रिटीज को पैसे मिल रहे होते हैं. उसके बाद एक सर्टन एक बीच में नीच आती है ब्लॉगर्स की या मिड रेंज इन्फ्लुएंसर्स की, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग बने, जो मैं कहता हूँ ना कि इंस्टाग्राम को अपने एक्टिव करें, यूट्यूब पर एक्टिव करें, लिंक्डइन को एक्टिव करें, तो वहाँ यू कैन कम इन कि आप उस ट्रेंड को मजीद एक थोड़ा सा पुश कर सकते हैं टूवर्ड्स अ वायरल एलिमेंट. और आपकी पोस्ट देखी जाती है जी बिल्कुल ऑर्गेनिक लेमैन ऑडियंस से, तो वो जो है ना और ज्यादा जो है ना उस पर कनेक्ट करते हैं. सेम चीज आप मिसाल ले लें टिकटॉक की, तो टिकटॉक पे ज्यादातर चलता ही यही कह सकते हैं कि ट्रेंड को, एक ट्रेंड आता है, एक गाना आता है, उसके 30 सेकंड का एक क्लिप निकलता है और उसको फॉलो करते करते ये लोग अगले 1-1.5 महीने अपने बस वही चीज करते रहते हैं. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि हाँ ये चीज होती है कि ट्रेंड्स बनाते भी हैं, उसको आपस में जो है ना शेयर भी किया जाता है, चैलेंजेस भी दिए जाते हैं एक दूसरे को, एंड देन थोड़ा वो ऑर्गेनिक रीच लेते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं. ठीक है जी, ट्राई टू कवर वायरल हॉट टॉपिक्स इफ योर चैनल इज रिलेटेड टू वायरल न्यूज. अगर आपका चैनल रिसेंट अफेयर्स रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देखें अलग अलग तरीके होते हैं. एक या तो आप प्रॉपर बिल्कुल कॉर्पोरेट न्यूज चैनल बन जाए कि जी आज ये हो गया वो हो गया, एंड उसकी वीडियोज डालते रहे. दूसरा या तो होता है कि आप करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, लाइक जुनेद अकरम हो गए, या जैसे कॉमिक्स बाय अरसलान है, तो अरसलान ने अपनी नीच डिफाइन की हुई है क्रिकेट से रिलेटेड, तो उसने बड़ी जो है ना एक स्पेसिफिक नीच उठाई हुई है, लेकिन वो है बड़ी वायरल नीच पाकिस्तान में, तो वो उसमें बात करते हैं. देन उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने वो उस रैंट्स को या अपनी उस न्यूज़ कवरेज को उन्होंने कनेक्ट कर दिया ह्यूमर के साथ, कि उसको नॉर्मली बड़े जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस स्ट्रेट फेस बना के न्यूज़ नहीं पढ़नी, उसको एज अ रैंट डिस्कस करने या उसको एज अ जो आप कहते हैं ना कि एक बड़ा इसका आजकल क्या वर्ड चल रहा है, रोस्ट, उसको रोस्ट करके जो है ना कि लोग अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं. ठीक है जी, बी अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन योर नीच, तो आपने उसके लिए अपडेटेड रहना है जी, व्हाट इज हैपनिंग, क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है. जैसे कल आई थिंक वो जो आपने शेयर की थी कि जी एप्पल अपने एम्प्लॉइज को इतने पैसे दे रहा है टू सस्टेन, तो अगर आपका ब्लॉग या यूट्यूब चैनल रिलेटेड है ऑफ टेक न्यूज से रिलेटेड, तो आपको वो खबर फौरन बना के उसके ऊपर फौरन से वीडियो बनाए चलाएं. आपने इनफैक्ट देखा होगा कि जो मूवी रिव्यूज वाले होते हैं, ये मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, कोशिश करते हैं 1-2 घंटे के अंदर हम अपनी रिव्यू डाल दें. बहुत सारे तो मूवी रिव्यूअर्स ऐसे हैं जिनको थोड़े दिन पहले बुलाया जाता है प्रीमियर के लिए, ताकि वो प्रॉपर देखें, उसको एनालाइज करें, अपना रिव्यू लिखें, उसकी वीडियो बनाएं, एंड देन फ्राइडे को जैसी मूवी रिलीज हो तो वो पब्लिश कर दें.
लेकिन जब आप छोटे लेवल पे होते हैं, इनिशियल लेवल पे होते हैं, तब आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती. तो उसमें कंपटीशन में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जिधर मूवी रिलीज हुई आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, और उसी वक्त उसका जो है ना रिव्यू लिखते हैं. वहीं बैठे बैठे मूवी देख देखते देखते आप अपने पॉइंटर्स नोट कर रहे होते हैं, घर आते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जल्दी जल्दी एडिट किया, एंड कोशिश करते हैं आज रात तक ही उसको अपलोड कर दें, ताकि जितने भी लोग YouTube पे आज देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि अच्छा जी आज ये वाली मूवी रिलीज हुई और आपका इसमें ये रिव्यू है. सो सिमिलरली यू नीड टू बी अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन योर नीच. ओके जी, स्लाइड चेंज हुई है. एक्सप्लोर डिफरेंट चैनल्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन YouTube. ठीक है जी, डिफरेंट चैनल्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन YouTube पे सर्च करें. जैसे फॉर एग्जांपल जब इरफान जुनेजो ने लॉन्च किया था अपना व्लॉगिंग करियर, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं केसी नाइस्टेट को बड़ा फॉलो करता हूँ, उसको एडमायर करता हूँ, उसको अडोर करता हूँ. इसी तरह इंडिया में एक चैनल है प्लेंटी रॉ मूवी मिस्टेक्स के नाम से. एक मिनट दीजिएगा मुझे. ओके जी, कैमरा गुड, वीडियो एडिटिंग आल्सो रिक्वायर्ड फॉर यूट्यूब चैनल. नहीं, ऐसा शानवाज मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उन सब ने पहले बड़े ही. अभी भी आवाज़ नहीं आ रही. आ रही है सर आ रही है. जी सर, आवाज आ रही है. ओके, सो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सब ने पहले वीजीए कैमरा से स्टार्ट किया. उन्होंने बहुत ही जो है ना लो क्वालिटी ऑफ एडिटिंग से काम किया. मैंने यही बात की है ना कि आप किसी के प्रेजेंट को देखते हुए उसकी जो है ना खुद को डिग्रेड मत करें कि यार ये तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं इससे कैसे कम्पीट करूँगा. आप ये देखें कि उसने 10 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में, तो उसकी 10 साल पहले की आप वो देखें प्रेजेंस, कि 10 साल पहले ये क्या थे. अब फॉर एग्जाम्पल दी इडियट्स हो गए, कराची वाइन्स हो गए, जो कराची फिल्म्स हो गए, अब इनके अगर पीछे चले जाए 8-8, 10-10 साल पहले की वीडियोस देखें, तो आप कहेंगे कि यार मतलब क्या बनाते थे ये लोग. तो टाइम के साथ ग्रो होते हैं आप, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है. आपके पास है अगर
अच्छा कैमरा, वेल एंड गुड. आपके पास अगर स्किल्स हैं वीडियो एडिटिंग की, वेल एंड गुड. अदरवाइज आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए, ठीक है? आपके जो आप नीश जो आपने जिसको टारगेट कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड होने चाहिए आपके कंटेंट में. अदरवाइज ये सारी जो चीज़ें होती है ना सेकेंडरी आती हैं. वरना करने को ऐसी ऐसी वायरल वीडियोस हमने देखी हैं जो क्या कभी कोई HD कैमरे पे बनी हुई है, नहीं, लेकिन उसमें कंटेंट ऐसा है, वो क्लिक ऐसा किया कि वो वायरल हो गया. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, फ्रेंड्स ये हमारी पार्टी हो में रही है, ये क्वालिटी सारी चीजें. अच्छी ज्यादा व्यू नहीं आता जी सर, अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो आप ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, अगर या अगर एडिटिंग ऐसी हो तो. नहीं, देखिए अगेन फिर वही बात होती है. आप ये बताए ना जो वीडियो वायरल हुई थी, हमारी पार्टी हो रही है, तो इसमें क्या कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी? नहीं सर, हम वैसे उसकी बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बनाते हैं तो सर मैंने ज्यादातर यही देखा है, अगर एडिटिंग वगैरह ज्यादा अच्छी नहीं हो तो आधी ही वीडियो देख के स्टॉप कर देते हैं अगर क्वालिटी ऑब्वियस, अच्छी देखें नहीं हो. उसमें फिर वही क्वालिटी, देखें क्वालिटी कम सेकेंडरी. अगर आप एक बात जो बोल रहे हैं अगर वो बात लोग सुनना ही नहीं चाह रहे ना, तो वो वैसे ही बैकआउट करेंगे. आपकी वीडियो की क्वालिटी खराब होगी तो जो बैकआउट करने वाले वो और थोड़ा जल्दी कर देंगे. लेकिन अगर आप एक वीडियो, जैसे जितनी भी वीडियोस वायरल होती हैं मोबाइल स्नैचिंग की, कोई चोरी चकारी की, गंदी क्वालिटी की CCTV वीडियो होती है, वो शक्ल भी किसी की सही समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आप व्यूज देखें, मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं उनके ऊपर. कोई रिसेंट करंट अफेयर ऐसा हो जाता है कि जी कहीं पे कोई भी एक केस ऐसा हो जाता है कि लेट से एक मिसाल के तौर पे रोड पे किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो उसको कवर करके उसी एक वीडियो बना के डालता है वो इट गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज. ना वो एडिटिंग देखी जाती है उसकी, ना उसकी जो है ना वीडियो क्वालिटी देखी जाती है, बट बिकॉज कॉन्टेंट बहुत रेलिवेंट दे रहा होता है वो अपनी ऑडियंस से रिलेटेड, और बड़ा जो है ना यूनिक कंटेंट दे रहे होते हैं जो और किसी के पास नहीं होता, तो वो जैसा भी हो वो देखा जाता है. बट या इट इज इम्पॉर्टेंट इन द लॉन्गर रन, इफ यू वॉन्ट टू परस्यू दिस एज अ करियर, देन येस यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कैमरा क्वालिटी एंड ऑल. नादिर अली की वीडियोज देखें, शुरू में इतनी कोई खास कैमरा क्वालिटी नहीं थी, अब माशाल्लाह से वो अपना पूरा स्टूडियो लेके बैठे हैं. तो अगेन इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सक्सेस, गुड क्वालिटी, और वो विद टाइम ही आती है. आप अभी भी इनफैक्ट स्टार्ट कर देंगे ना एक अच्छे DSLR से, एक अच्छी प्रोडक्शन टीम के साथ, तो आगे चल के उसमें भी बड़ी एडवांसमेंट्स आएंगी, तो उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि वो भी आपको ग्रो करना पड़ेगा विद टाइम. 4K वीडियोज आ रही हैं, 8K वीडियोज आ रही हैं आगे चल के. आगे चल के अब ये मेटावर्स आ रहे हैं, तो आप क्या तैयार हैं अपने मेटावर्स यूट्यूब चैनल के लिए? बाकी दुनिया तो बनाना शुरू हो गई है, वर्चुअल उन्होंने सेलिब्रिटीज बना दिए हैं, वो कुछ भी नहीं है, कार्टून्स हैं और उनके चैनल्स बने हुए और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं. इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो लोग, ब्रांड उनको कपड़े दे रहे हैं अपने कि ये कपड़ा पहनाओ मेरा उनको और मुझसे इतने पैसे ले लो. सो द थिंग इज कि देखें टेक्नोलॉजी वैसे एडवांस होती रहेगी विद टाइम. व्हाट यू नीड टू डू इज कि जस्ट स्टिक टू योर नीश और उस पर काम करते रहें. लेटेस्ट जितने ट्रेंड्स आ रहे हैं, जितनी टेक्निक्स आ रही हैं, कोशिश करें इम्प्लीमेंट करें अपने साथ. नहीं कर सकते स्टिल स्टिक टू योर नीश, क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो काम करना, ये मत भूलें. अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो फिर आप अपने पैशन को मत फॉलो करें, फिर आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो पैसे कमा के देंगे आप. तो आप ये सब छोड़ें, यूट्यूब ये सब छोड़ें, ब्लॉगिंग वगैरह, आप चले जाएं जी कोडिंग की फॉर्म में चले जाएं, आप 3D वीडियो एनिमेशन में चले जाएं, क्योंकि नेक्स्ट तो अभी जो बात हो रही है वो NFT और इसी की हो रही है, मेटावर्स की. तो ऐसे में आप कैसे सर्वाइव करेंगे या कैसे जो है ना ग्रो करेंगे एज अ वेल्दी पर्सन? क्योंकि देखिए हर किसी को, सभी लोग जो है ना टॉप टीयर अमीर हो गए तो फिर बाकी इकोनॉमी कैसे चलेगी दुनिया की? तो कुछ लोग होते हैं जो पैसों से ज्यादा ना अपने पैशन पे काम कर रहे होते हैं, दे डू वट दे लाइक टू डू. ठीक है, गेट आइडियाज अबाउट वट यूट्यूबर्स आर डूइंग इन डिफरेंट कंट्रीज, चेंज योर कंट्री इन यूट्यूब एंड चेक वट्स ट्रेंडिंग एंड वट्स वायरल और मोस्ट वॉच चैनल इन दोज कंट्रीज. किस तरह से कंट्री चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप डिफरेंट कंट्रीज का भी जो है ना कॉन्टेंट देख सकते हैं और उनके ट्रेंड्स देखें कि वहाँ पे क्या ट्रेंडिंग हो रही है चीज़ें, तो बहुत दफ़ा आपको वहाँ से भी कुछ आइडियाज मिल जाते हैं. जी शाहरुख,
सर ये यूट्यूब में आप स्ट्रीमिंग करना भी सिखाएंगे क्योंकि काफी लोग अर्निंग कर रहे हैं स्ट्रीमिंग से जिसके व्यूज इतने कम होते हैं लेकिन उसके अच्छे खासा पैकेज बन जाता है आखिर में गेमिंग स्ट्रीमिंग्स वगैरह की बात कर रहे हैं आप जी सर हाँ वो भी दिखा देंगे उसमें मसला नहीं है अच्छा जी नीच सिलेक्शन पे अगेन हम स्लाइड चेंज किए हमने अब यहाँ पे जो पॉपुलर नीच है वो है जी रिव्यूज दैट कुड बी मोबाइल रिव्यूज दैट कुड बी गैजेट रिव्यूज दैट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिव्यूज दैट कुड बी एनी प्रोडक्ट जिसके आप रिव्यूज दे रहे हैं फूड कुकिंग रिलेटेड बड़े वायरल होते हैं ठीक है जी विलेज लाइफ के व्लॉग्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं क्योंकि हम सब के पास टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स तो आ गई हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारी रूट्स हैं वो कनेक्ट करती हैं उस देसी लाइफ स्टाइल से सो हम देखना चाहते हैं कि कभी कभी कि क्या हो रहा है ठीक है जी फूड कुकिंग आउटडोर फूड कुकिंग पेट्स हैंडलिंग एंड रिव्यूज टेक्नोलॉजी न्यूज टॉप लिस्ट जिसमें आप लिस्टिंग बनाते हैं कि जी किसी भी चीज़ की टॉप 10 या टॉप 20 क्या क्या चीज़ें पॉपुलर चल रही हैं इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि जो अभी हम प्लान कर रहे हैं ना जो हम मल्टीपल टीम्स बनाएंगे उसमें शाहरुख एक और चीज़ है ना सॉरी शाहनवाज एक चीज़ आप जो है ना ये नोट करिएगा है शाहनवाज नजर हाँ तो शाहनवाज आप ये एक चीज़ नोट करिएगा कि वीडियोज आजकल बड़ी चल रही हैं उसमें कुछ भी नहीं है एक मैंने वीडियो देखी यार कौन है एक वीडियो आई थी उसमें क्या करते हैं लोग कि नॉर्मल यही सेलिब्रिटीज की रिलेटेड या फॉर एग्जांपल टॉप 10 मूवीज टू वॉच इन 2021 और वो नॉर्मल पीछे स्लाइड शो चल रहे होते हैं और उस पर टेक्स्ट चेंज हो रहा होता है एंड उन वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज गैदर हो रहे होते हैं तो इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए ना आपको ज़्यादा एडिटिंग स्किल्स की ज़रूरत है ना ज़्यादा आपको जो है ना कोई ऐसी स्किल सेट की ज़रूरत है ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप अवेयर रहें कि जी क्या चल रहा है थोड़ी सी रिसर्च कर लें एंड उसकी एक वीडियो बना के चला दें वो खुद ब खुद वायरल होना शुरू हो जाती है या कुछ ऐसी न्यूज़ उठाएं जैसे कुछ इस तरह की स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही थी कि जी टॉप 5 सेलिब्रिटीज जो ड्रग्स करते थे और ड्रग्स के बाद उन्होंने अपने आप को क्लीन कर लिया एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ तो उसमें डाल दिया भाई नाम संजय दत्त का डाल दिया या और जितने भी उन सबका नाम डाल के तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सर इसके बारे में हम सोच सकते हैं हम इसके बारे में सोच सकते हैं और मतलब इस तरह भी कर सकते हैं कि इस साल के टॉप 10 जो है वो एक्टर्स कौन थे उनकी क्या फिल्में थी हाँ। इस तरह उन्होंने किया या इस तरह करके हम चल सकते हैं एंकर कौन थे खिलाड़ी कौन अच्छे थे टीम के क्या क्या रिकॉर्ड बने बिल्कुल कर सकते हैं तो इनपे क्या होता है बहुत अच्छे व्यूज आते हैं इससे और उसी की बेस पे फिर अब क्या होता है जैसे आजकल एक वो पेज चल रहा है जान लो के नाम से ठीक है उसमें ये है उस वो भी ये करता है कि जो भी रिसेंट न्यूज है वो डालते हैं साथ में उसको लोग पैसे देते हैं कि जी हमारी जो ना ये न्यूज भी आप चला दें और इसके हम इतने पैसे देंगे तो वहां से भी आपकी अर्निंग जनरेट हो जाती है मेरी 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 बड़ी आदत है मैं कोई आईडिया छुपाता नहीं हूं अभी आपकी ये चीजें देख रहा था तो मेरे जहन में एक आईडिया है हमारी मेरी वालदा है माशाल्लाह वो एजेज है लेकिन ये है कि वो देहात और गांव के रहने वाले हैं तो बहुत सारे टोटके होते हैं जो कि घर में यूज किए जाते हैं बच्चों के लिए हमारे लिए सर्दी में ये कर लो गर्मी में ये कर लो इस तरह की चीज़ों की भी जो ना बड़ी हमारी लोकल पाकिस्तान मार्केट में या इंडिया में इस तरह बड़ी इसकी जो ना वैल्यू होगी कि भाई टोटके वगैरह जो होते हैं ना क्योंकि आजकल की जो लेडीज हैं घर में उनको तो वो टोटके वगैरह के बारे में नहीं पता वो मेडिसिन की तरफ जाती हैं एंटीबायोटिक्स की तरफ जाती हैं तो ये भी एक अच्छा एक वो आइडिया है इस तरह कर सकें से मुझे याद आया एक कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें एक लड़का होता है वो माइंड रीडिंग करता है और जो ना वो इंसान के माइंड में क्या है वो बता देता है तो इस तरह का रियलिटी में कुछ होता है क्या सर यार इस तरह की वो आप उसकी बात कर रहे हैं शहीर जी जी तो इस तरह की चीजें देखें अब अगेन इट्स कॉम्प्लिकेटेड मैं जिसको जानता हूँ और इनफैक्ट जिनके चैनल को मैं आज आपको दिखाऊंगा भी ही इज ऑल्सो मैजिशियन and he also does mind reading as well but personally मैं उनको जानता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं कि जी वो mind read कर सकता है but tricks obviously a magician never reveals their tricks तो वो किस तरह करते हैं that I cannot figure out लेकिन करते हैं tricks हैं it's possibly tricks जैसे human psychology होती है मैं अगर आपको बोलूँ कि आपने अभी अपने mind में एक लाल खरगोश नहीं देखना तो आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक लाल कलर का खरगोश आ गया ठीक है
तो इस तरह की कुछ लेकिन चीजें सर होती हैं। उसमें तो वो ये कहता है कि आप कुछ भी सोचें तो हाँ वो सेम चीज वही तो मैं कह माइंड रहा हूँ ना होती कि है ना ये वो एक बेसिक, दिक्कत मैंने है। आपको एक चीज बताई कि जितना ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, जैसे एक कोई एक वो है बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के हैं क्या हैं, उन्होंने भी एक उनकी भी एक बड़ी ऐसी वीडियो वायरल हुई थी कि जी आप सब जो है ना अपनी आंखें बंद करें और कोई भी एक जो है ना अपने कमरे की कोई भी एक चीज सोचें। सबने वो चीज सोची, फिर उन्होंने कहा उस चीज का कलर सोचें, सबने उसका कलर सोच लिया, फिर उन्होंने और भी कुछ इस तरह की चीज की, और इवेंचुअली 90-95% ऑडियंस ने एक कुर्सी ही सोची थी, ब्राउन कलर की सोची थी। तो मतलब बहुत कॉमन इस तरह की जो है ह्यूमन साइकी बड़ी इस तरह की चीज होती है कि वो सर एक सर्टेन ये पैटर्न पे सारे चल रही होती है। सर ये सारे सर ये क्या नाम है प्लांटेड ड्रामे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, मतलब आप नहीं ये नहीं ऐसा चीज देखें फैन होता है, रहे हैं। आपने वो वाली मूवी देखी नाउ यू सी मी, सर हाँ ठीक सर है वो देखिए, ये असल में ना साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कभी एग्जैक्टली अगर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो बकायदा दिमाग का इलाज करते हैं लोगों की, उनके पास ही होती है, लेकिन उनकी कोई टेक्निक्स होती है वो किस तरीके से माइंड रीड कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी प्रॉपर पढ़ी होती है, क्योंकि मैं लेकर गया था किसी को, तो वो जिस तरीके की बातें करते हैं आप उनके पास 4-5 घंटे बैठ कर भी ना आप बोर नहीं होंगे, आप अपनी सारी बात बता देंगे, वो शायद आपने किसी को भी नहीं बतानी, मतलब ऐसी उनकी कन्वर्सेशन होती है और वो आपका पूरा पूरा माइंड रीड कर लेते हैं आप किस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये सर साइकोलॉजिस्ट बीच की में बात कर बड़ी रहा हूँ। बड़ी डकैतियां भी हुई हैं हिप्नोटाइज करके लोगों को मोबाइल की दुकानों पे, तो जरा उसको पता ही नहीं सर चलता था कि चले बताया एक आपने। एक मैजिक ट्रिक देखते हैं अभी। सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी, इतना साइकोलॉजिस्ट के लिए भी ऐसा इजी नहीं होता कि वो किसी का माइंड रीड कर सकता है, एक्चुअली वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करता है, तो इंसान अपने माइंड की बातें खुद बोल रहा होता है, ऐसा कि वो अपना दिल हल्का कर रहा होता है, लाइक अपने माइंड की सारी स्टोरी बता रहा होता है, नॉट तो वो नेसेसरी देखें, पर्सपेक्टिव होता हाँ है कि वो आई एग्री। पर्सपेक्टिव होता है कि वो माइंड रीड कर रहे हैं, लेकिन वो माइंड रीड करना इट्स देखिए नॉट पॉसिबल, एक मिथ क्रिएट साइकोलॉजी हुई तो हुई एक है। टोटली डिफरेंट नहीं चीज है, आप साइकोलॉजी मरियम आप जो है डिफरेंट ना थिंग है, वो वीडियोस देखें साइकोपैथी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है, साइकोलॉजी अलग है। सर, हाँ जो मुझे ये वीडियो कैन देखने को कह रहे हैं तो एक्चुअली हाँ मेरी फील्ड ही यही है, तो मैं नहीं उसके हिसाब से जवाब दे रही हूँ, जो मुझे पता नहीं पीछे से किसने उन आवाज वीडियोस दी है कि में आप हम वीडियो सबके देखे माइंड हैं। रीड कर सुने सर सुने उन वीडियोस में वो इधर उधर की बातें नहीं करता, वो जस्ट ये कहता है कि आप जो है ना वो अपने माइंड में एक चीज लाएं मैं आपको वो भी और दिखाता उसके हूँ बाद वो। जायद, अभी थोड़ा इसको होल्ड करते हैं, मैं आपको एक एक करके दोनों वीडियोस दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या साइकोलॉजी क्या है, साइकोपैथी क्या है। और इसमें इनफैक्ट अभी अगर आप वो देखें ब्रिटेन गॉट टैलेंट या अमेरिकाज गॉट टैलेंट, उसमें भी ऐसे ऐसे मैजिशियंस आ जाते हैं जो कि पूरी हर चीज वो बता देते हैं कि आपने क्या सोचा है, आपने नहीं बचपन के सर अभी किसी मैजिक दोस्त का नाम और सोचा होता चीज है है वो भी बता देते हैं, ठीक है, वो कहते सर, हैं नाउ यू स्टार्ट सी करो। मी में तो क्रिएट होते करते हैं ना होते ये सर लोग, वो इनकी ट्रिक है और एक इल्यूजन काम क्रिएट करते हैं, करके एक काम मुझसे। करते हैं, एक काम करते हैं ना, पहले ये सीन देख लेते हैं सारे मिलके, ताकि जी सर दिखाएं जो है ना दिखाएं हमें थोड़ी सी, मैं इसके बाद फिर इस पर मजीद एक बात करता हूँ, ठीक है। एंड ग्रो योर बिजनेस पहले विथ तो जी विक्स शुरू कर लेते हैं ई-कॉमर्स, विक्स से। क्रिएट अ ब्यूटी। I'm going to flip through this deck, and I want you to see one card, and not this one. That's too obvious. Pay close attention. That was too fast. I'll do it again. Are you ready? Mm-hmm. Okay. Now, did you see one? Yes. Do you have one in mind? Yes. Now, do you see your card here? No. That's because you're looking too closely. And what have I been telling you all night? The closer you look, the less you see. जी तो कितने लोगों ने यही कार्ड सोचा था? सर मुझे तो कार्ड नजर ही नहीं आया सही तरीके मेरा मोबाइल ही मिला, वीडियो कॉल हो गई सर। एक्चुअली वीडियो बहुत रुक रुक के चल रही थी, बहुत मतलब रुक रही है काफी, बिल्कुल स्मूथली नहीं चली सर। अच्छा लेकिन ये किसी मूवी का सीन लेकिन है सर वैसे मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ये और ये सर जो इल्यूजन था लड़की का, ये यार इल्यूजन के ये अंदर जाहिर आता है आपकी भी नहीं, ये इल्यूजन, इल्यूजन उसको नहीं है दिखा दिखा के, उसको दिखा दिखा के यही ट्रेंड किया गया था कि वो वही सर। कार्ड आप वो सेलेक्ट शहीर करती। की सर्च करें ना सर, आप शहीर की सर्च करें एक वीडियो कोई भी, उसमें देखें वो इधर उधर के सवाल पूछता ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है ना वो दिमाग में वो जो मुझे चीज होती पता है है, वो मुझे पेपर पे पता है लिख देता। शहीर का भी सीन जो है ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि दिस इज मेरी नजर में ये ट्रिक है, ठीक है, इट्स सर नॉट। ट्रिक देखिए का भी, मैं भी सर देखें ट्रिक अभी का भी सर, कोई मैं मीडियम समझ होना सकता हूँ बहुत आपके जमाने जवाब में हो ना, जाएगा, मैं एक अपना तो अपना हाँ
सर्वर भाई मैं सब क्लास सबके दबाव में रिक्वेस्ट करूंगा, YouTube चैनल चल रहा है और हम उससे डॉलर कमा रहे हैं सर। मरियम अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो मुझे बताएं कि वो जो शहीर करते हैं तो उसमें तो इधर उधर के क्वेश्चंस वो नहीं करते, तो वो जवाब कैसे देते हैं बताएं आप। एक्चुअली मैंने शहीर की वीडियोस देखी नहीं, अदरवाइज आई विल लेट यू नो कि मैं जब देख लूंगी। ये बात है, आई विल लेट यू नो। चले आए एक और ही वाली, मैं इंतजार करूंगा आपके रिप्लाई का। शादी की खबर, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। अपने पास रखिएगा। All right, मैं चाहूंगा कि कोई भी रुमैसा आपका जो दिल चाहता है वहीं पे बैठे रहें, कोई भी एक लेटर कॉल करें ए से जी तक, कोई भी एक लेटर रैंडमली, लेटर एस। ओके, चेंज करना चाहती है लेटर एस। All right, मैम आप कोई भी एक नंबर कॉल करें ब्लू में जो है नंबर 5, चेंज करना चाहती है यही रखें। मैम आप कोई कलर बताएंगे मुझे, यस यू या कलर व्हाइट। ओके, ओके जी, लेटर हो गया एस, नंबर हो गया 5 एंड कलर व्हाइट। आज की डेट 2nd of May। आदिल साहब अगर आपको तकलीफ ना हो तो प्लीज स्टेज पे आएंगे। Thank you so much. Please give him a huge round of applause. ये आपके पास था, अपने पास ये लीजिए। पहले तो ये तस्दीक करें कि जो ऑडियंस ने बताया था लेटर एस नंबर 5 एंड लेटर एस 2nd of May 2019, कलर इज व्हाइट, 2nd of May 2019। All right. आपके पास एक बलून दिया था मैंने, इसमें आपने कुछ फील किया था? हिला के देखें, आवाज आ रही है माइक में, देखें माइक में सुना है ताकि ऑडियंस को पता चले समथिंग इन इट। ठीक है सर, ये आप पकड़, माइक मुझे दीजिए पहले, प्लीज रख दें, रख दें, ये आप पकड़ें और बैलून मुझे दें। ओके, और मैं चाहूंगा कि आप इस नीडल से बलून को बस कीजिए। यस, डू इट, please pick it up. That's not possible. I'm telling you that's not possible. Look, what is written here? Master of the impossible. That's not possible. Open it. Just open. Don't say anything. Top se padhe, yahan se kya likha hai? They will choose. Aage padhu? Yeah. Letter S, number 5, color white. Thank you so much for coming, Adil. ओके जी, तो ये हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक में। सर जी ये तो स्क्रिप्ट है, ये टोटली ट्रिक है ये सब कुछ। देखें आप सर, इसके इसका जवाब सर, पर नाम को कैसे बुलाया इन्होंने, पहले वाले को नाम से कैसे बुलाया इन्होंने? पहले वाले को नाम से ऐसे बुलाया कि वो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी, तो वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस मैजिशियन को मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब आई हैव वर्क विद हिम, मतलब मैं इनके साथ बहुत सारे इवेंट्स कर चुका हूँ। मुझे ये पता है कि यस ही इज अ ट्रिक्स्टर, he cannot read minds. अगर वो माइंड रीड कर रहा होता तो मैं इतने साल इसके साथ काम भी नहीं कर पाता। और the thing is कि ये सब ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, ये सब ट्रिक्स होती हैं। और लेकिन हाँ, मेहनती बहुत है एंड ही हैज डन हिज होमवर्क। और इनफैक्ट अगर आप ये वाली मूवी भी देखेंगे ना, नाउ यू सी मी वाली, या इससे पहले एक और एक वो विल स्मिथ की एक मूवी थी, उसमें क्या होता है कि देर आर समटाइम्स, कहाँ गई हमारी साइकोलॉजी वाली, फोकस है, फोकस नहीं, साइकोलॉजी वाली स्टूडेंट कहाँ गई हमारी? जी सर, हाँ मरियम। ओके, तो देखिए ये चीज आप मुझे बताइएगा कि इफ दिस इज पॉसिबल या नॉट, कि अगर मैं घर से निकला हूँ, ठीक है, और एक लाशऊर माइंड होता है ना जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी अनकॉन्शियस में सेव हो रही होती है। अगर मैंने सुबह उठते साथ मैंने घड़ी में टाइम देखा है, वो हो रहा है 8:52, लेट्स से, ठीक है जी, मैं घर से बाहर निकला और मैंने चलते हुए देखा और लेट्स से एक बस गुजरी मेरे सामने से, उसका नंबर लिखा हुआ था 8L और दूसरी गुजरी 52B,
जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये 8 और 52 का नंबर सेव होता रहेगा ना, मैं जी उसको याद भी नहीं कर रहा, मतलब मैं सिर्फ वो मेरी नजर से गुजर रही है ठीक है, जी और अब शायद मैं वो सुबह वाले 8:52 को भी भूल चुका हूँ, लेकिन क्या है वो जी बार बार मुझे कॉन्स्टेंटली हैमर कर रहा है। तो शाम जी को लेट से मैंने ऐसी एक दो दफा और इस नंबर को देखा, और रात में मुझसे किसी ने पूछा कि यार आसान जो है ना लेट से कि एक लॉटरी खरीदनी है तो किस नंबर की खरीदूं, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड बोलेगा यार 852 की ले लो, क्योंकि वो जी मेरे दिमाग सुबह से मुझे कह रहा है कि देर इज समथिंग विद दिस नंबर 852 852 852। तो यही चीज जो है ना इन मैजिशियंस वगैरह जो होते हैं वो इसकी प्लानिंग में कर रहे होते हैं कि यू डोंट नो कि द हार्ड वर्क दे पुट इन टू लाइक फुलफिल अ ट्रिक, वो हो सकता है कि सुबह से उस पर्टिकुलर बंदे का भी माइंड प्लान कर रहे हो ठीक है, या वो हो सकता है कि थोड़ी रिसर्च भी कर ले। फॉर एग्जाम्पल जिन खातून ने व्हाइट कलर चूज किया, वो हो सकता है कि उसकी दोस्त से उसने पूछा हो कि आपकी मैम बातों बातों में कि जी आपके साथ जो दोस्त आई हुए हैं उनके क्या फेवरेट कलर है या क्या, आई आई डोंट नो कि वो होमवर्क किस तरह से किया उसने, लेकिन वो करते हैं इस तरह का होमवर्क। अब जैसे मुझे पता है कि मेरी वाइफ से अगर कोई पूछेगा ना उनका फेवरेट कलर, मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं आसरा करना, उसने यही कलर बोलना है। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, इसी तरह कुछ लोगों के फेवरेट नंबर्स होते हैं, कुछ लोगों के फेवरेट लेटर्स होते हैं। तो ये कोई जी इतना ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड इसने कोई ट्रिक नहीं की है, इट्स अ वेरी बेसिक ट्रिक कि किसी का फेवरेट लेटर तो होता ही है, किसी का फेवरेट नंबर भी होता है, किसी का फेवरेट कलर भी होता है। जो जाहिद बात कर रहे हैं ना जी शहीर वाली, वो शहीर आपके बचपन के दोस्त का नाम भी बता देगा, वो शहीर आपने सुबह खाने में क्या खाया वो भी बता देगा ठीक है, और वो इतने सवाल भी नहीं पूछता, वो सिर्फ आपको यूं देखेगा और ये चीजें बता देगा। अब पर मैं वो वही तो कह रहा हूँ मरियम से कि वो क्या करते हैं, वो इस हाँ चीज का पता है हमें। अब वो देखें या तो वो कर रहा है सिंपली कि पेड ट्रिक्स कर रहा है वो, कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो उसको यूज कर रहा है। अदरवाइज मुझे ये बताना इफ अ पर्सन कैन रीड दीज थिंग्स, क्या वो यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस बना रहा होगा, या वो प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी के साथ, या उसको अमेरिका वाले उठा लेंगे कि इतना बड़ा एसेट है इसको बिठाओ जरा किम जोंग उनके साथ और देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा सर ये सेम है। लाइक जो हमारे पास पीर बाबा साहब होते हैं ना, आमिल वामिल वो वाला हाँ सिस्टम। एग्जैक्टली, थोड़ी सी अफवाह होती है, थोड़ी सी ये रियलिटी होती है। पता नहीं जो ये शहीर का बहुत बोल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इनको बहुत बिलीव हो गया है कि इंसान किसी का माइंड रीड कर सकता है। उन्होंने इतनी वीडियोस देख ली मेरे हैं, बिलीव ये या ना इनका बिलीव बिलीव करने लग की रहा है बात मुझे। नहीं है। नहीं नहीं मैं मरियम, आप भाई गलत समझ रही हैं। चीज एक मिनट ऐड एक मिनट, करता मुझे हूँ बात करने दें, एक मिनट जी जी मरियम। बात बिलीव और नॉट की नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस कि उनका पैटर्न क्या है। मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि शहीर समझ गए, मुझे इस चीज से गर्ज है कि उनका फॉर्मूला और पैटर्न क्या है, मैं वो देखना चाहता अब हूँ। अगर आप देखें वो उसको YouTube बीइंग कंटेंट बना रहे हैं ना, वो तो अब जाहिर सी बात है उनकी ट्रिक तो किसी के सामने आएगी नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी वीडियो किसी क्रिएट के करते हैं, सामने वो नहीं लाइव आया, लेकिन अगर वीडियोस तो आप नहीं खुद करते ना, साइकोलॉजी वो के लाइव स्टूडेंट वीडियोस तो हैं, नहीं करते जी बोले। मतलब अब उसमें उन्होंने जो ये सेलिब्रिटीज हैं देखें उनके भी जाहिर, ये इंटरव्यूज देखें, किए हुए, ये वो देखें। लाइव वीडियोस करें तो हम कह सकते हैं ना कि वो बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हैं, वो वीडियो शूट हुई भी होती है। अब वो किस हाँ तरह से करते हैं, वरना तो वो यहाँ पर इतना आराम से बैठ के उनका चैनल जाहिद बैन ना भाई, हो जाए। नहीं अब आप जो है ना वो इधर उधर की सर एक बातें वीडियो करें। दिखाएं वैसे, जाहिद एक भाई बात आप करें गूगल से जो ना, जाहिद आप भाई एक गूगल बात से बता दोस्ती नहीं दूं, कर रैप रहे ठीक का है। इल्म सिर्फ अल्लाह को है, हकीकत चले हकीकत एक काम करते हैं ना, देखें बेशक। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रीड, हाउ टू डू रीडिंग माइंड ट्रिक्स ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आए हुए हैं, एड्स आए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी एक वीडियो देखें, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ें, आपको काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी कि हाउ इज दिस हैपनिंग ठीक है। चले ये 13 माइंड ट्रिक से 5 मिनट की वीडियो है, इसको हम कुछ जल्दी लोगों से में ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज होती है कि उनके पर्सपेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं कि वो सच लग रहे होते हैं। हाँ अब वो किसी की ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज है तो हम ये तो नहीं कह देंगे ना कि भाई वो माइंड रीड कर सकता है। अगर इतना सर इजी होता तो साइकोलॉजिस्ट वैसे ये सेशन पे टॉपिक सेशन क्यों बड़ा लेते बार इंटरेस्टेड बार। है यूट्यूब का हाँ सर, ये यूट्यूब का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, हम जरा ऑफ टॉपिक हो गए, टॉपिक आ रहे हैं वापस, आ पे रहे आ हैं जाते टॉपिक पे हैं। आ रहे हैं। अच्छा मैं ये बात करता है, इनफैक्ट अभी मूवी आई थी सिंघम 2, उसमें भी वो जो एक बाबा बना हुआ है वो यही कहता है कि बेटी तुम्हारा फेवरेट फ्रूट आम है ना, वो कहती है जी, फिर वो कहते हैं कि अच्छा भी तुम्हारा मसला ये है ना, मतलब उसको आइडिया हो जाता है आप जब अंदर आते हो कि आप उनकी लोकेशन में लेट सपोज, तो आप एक क्वेश्चनर फिल करते हो या आप 10 लोगों से बात करते हो कि यार मेरा ये मसला है, बाबा से बोलो दुआ करें, वो करें, वो उन तक खबरें पहुंच जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ना, आप इसको यूट्यूब करें देखें,
और आपको जो सर बकायदा पेड लोग बैठे हुए होते हैं जो आप मतलब जाके बैठते हैं आपके साथ। हाँ, हाँ, वो तो वो अलग सीन है, वो बाबा वाला अलग सीन है। हाँ सर, ये तो आपके सामने वो आपसे बात कर रहे होते हैं कि क्या मसला है, किस मसले में है। ठीक है, चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, इसमें सिंपल देखें, हमने ये करना है कि आप गूगल करें, गूगल करके आपको बहुत सारी इनकी जो है ना ट्रिक्स रिवील्ड मिल जाती हैं कि किस तरह से ये चीज़ हो रही होती है। अच्छा जी, तो हम आ गए थे दोबारा से टॉप लिस्ट के ऊपर, डेली लाइफ व्लॉग्स, प्रैंक्स, गेम रिव्यूज, बेस्ट होटल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, हाउ टूज, ठीक है कि आप लोगों को सिखाते हैं हाउ टू डू एनीथिंग, ट्रैवल व्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री। सर हम इस पे थे कि हमने बहुत सारे काम करने हैं, टीमें बनानी है, हम उस टॉपिक पे थे, उस पे फोरम से हट गए थे, तो वो जरा वो बताइए कि सर वो क्या काम था आपने पर्टिकुलरली मुझे बोला। वो काम हमने सिर्फ यही बात की थी ना कि जो टॉप 5 या टॉप 20 वाले जो आइडियाज है ना, कि टॉप 10 लिस्ट वाली, उसकी वीडियोस हम बना के एक कोई चैनल बना सकते हैं, बट वो जब हम मीटअप करेंगे ना उसमें इसको थॉरली डिस्कस करेंगे, और जिस मैंने आपको कहा कि आप माइंड में रखिएगा कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, चैनल सेटअप, एक्सप्लोर डिफरेंट चैनल्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन यूट्यूब। हाँ हाँ, ये तो उसी का कॉपी पेस्ट आ गया। चैनल सेटअप अगर करना है तो उसके लिए सिंपल है, sign into YouTube with your Google account. If you don't have a Google account, create one using this URL. आपको पता है Google account कैसे बनाना है, बना हुआ है आप सबका, शुरू की क्लास में हमने बनाया था। Then आपने क्या करना है जी, YouTube खोल के आपने चैनल क्रिएट करना है। कैसे जी, क्लिक द आइकॉन एट टॉप राइट कॉर्नर एंड क्लिक ऑन माई चैनल। ठीक है, न्यू शेयर करते हैं हम। जी तो यहाँ पे हम गए, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इधर यू कैन गो टू योर चैनल, या ये यूट्यूब स्टूडियो का एक नया जो है ना प्लेटफॉर्म आ गया, आप यहाँ पे जा सकते हैं studio.youtube.com। तो यहाँ पे आपका जो चैनल बना हुआ है वो पूरा यहाँ नज़र आ जाएगा। अदर देन दैट यू कैन सिंपली गो टू योर चैनल, यहाँ पे आपको आपके चैनल की जो वीडियोस हैं, जो डिटेल्स है वो सब नज़र आती है। अगर यहाँ चैनल क्रिएट नहीं था, यहाँ क्रिएट चैनल का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्रिएट करेंगे, चैनल का नाम रखें, चैनल का अबाउट अस की डिटेल्स वगैरह डालें, व्हाट यू आर अबाउट, आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। फिर वो आपसे कहेगा जी वीडियोज अपलोड करनी है, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग योर वीडियोज। मैं कस्टमाइज चैनल पर गया तो वो देखें मुझे दोबारा से studio.youtube.com पे ले गया। ये ऐसा है जैसे business.facebook.com, ये YouTube का बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, मैनेज वीडियोस पे अगर आप जाएंगे तो फिर ये दोबारा studio.youtube.com पे ले गया। दैट मींस कि YouTube अगेन फ्रंट एंड रह गया है, बैक एंड पे जितनी वर्किंग हो रही है वो सब studio.youtube.com पे हो रही है। studio.com पे जब हम आ जाते हैं तो अगेन जो चीज़ें हमें वैसी पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं, शॉपिफाई हो या फेसबुक हो, कि एक हमें पूरा डैशबोर्ड मिलता है और उसके साथ उसकी सारी अलग फीचर्स हमें नज़र आते हैं। डैशबोर्ड में क्या है जी, उसने हमें अगेन उसने बोला जी अपलोड कर दें वीडियोस को, चैनल के एनालिटिक्स उसने थोड़े से दिखा दिए कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, 28 डेज की समरी दिखा दी, टॉप वीडियोस कौन सी हैं जी लास्ट 48 आवर्स में वो दिखा देगा, कुछ आइडियाज़ दे रहा है, कुछ इश्यूज बता रहा है, लेटेस्ट कमेंट्स आपको दिखा रहा है, ठीक है, व्हाट्स न्यू इन स्टूडियो, ये सब चीज़ें डैशबोर्ड में आपको नज़र आ रही है। कॉन्टेंट पर जब आप जाते हैं तो आपको आपकी जितनी वीडियोज़ हैं वो सब नज़र आ रही हैं, उन वीडियोज़ की विजिबिलिटी, उन वीडियोस की रिस्ट्रिक्शंस, इन दोनों वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, ठीक है, योर वीडियोस इन एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। कॉपीराइट क्लेम अलग है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग चीज़ है। क्लेम का मतलब ये कि जिसका गाना इसमें यूज़ हुआ है, जिसका वीडियो क्लिप यूज़ हुआ है, उसने उसको क्लेम कर लिया है, तो अब अगर आप इसके पैसे कमाना चाहेंगे वो पैसे नहीं कमा सकते, उसके पैसे उस पर्टिकुलर जिसने क्लेम किया उसको मिलेंगे। इसमें कोई क्लेम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जितना इससे आप पैसे कमाएंगे उतने आप ही को मिलेंगे। देन अगेन व्यूज, कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक वगैरह वो सब आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। लाइव आप कितनी दफ़ा गए जी, वो लाइव स्ट्रीमिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। पोस्ट अगर आपने कोई किए हैं यूट्यूब पे, आपने देखा है कि यूट्यूब पे स्टैटिक पोस्ट भी हो जाती हैं, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, चले गए हम। ओके, देन लेफ्ट पे प्लेलिस्ट आपकी नज़र आती है, आप यहाँ पे अपनी न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हैं ताकि आप अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग प्लेलिस्ट में अपनी वीडियोस डाल सकें। जैसे कोई
चैनल्स होते हैं जिनके मल्टीपल शोज आ रहे होते हैं, तो वो हर शो को एक अलग अलग प्लेलिस्ट में डालते हैं कि जो एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं वो वही देखे, उसको बीच बीच में अलग बहुत सारे कॉन्टेंट के बीच में उसको अपना कॉन्टेंट ढूंढना ना पड़े। देन एनालिटिक्स आपके नज़र आते हैं जी, एनालिटिक्स पूरी आपकी सारी डिटेल्स बताते हैं कि हाउ योर वीडियोज आर परफॉर्मिंग, कौन सी वीडियो की कितनी रीच है, कितनी इंगेजमेंट है, क्या ऑडियंस है, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ना आता है, नहीं आता है तो हम सीख चुके हैं, यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम ओवर इट। कॉमेंट्स के सेक्शन में आपको सारे कॉमेंट्स नज़र आते हैं कि आपकी सारी वीडियोज़ पे क्या क्या रिसेंट कॉमेंट्स आए हैं, आप चाहें तो उसको यहीं से रिप्लाई कर दें या आप चाहें तो उसको मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई कमेंट लेट सपोज नहीं पसंद आ रहा आप उसको रिमूव कर दें, रिपोर्ट कर दें, हाइड कर दें यूज़र को, सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो हो रही है ना वो सब यहीं से हो रही है। सेटिंग्स के सेक्शन में आप जाते हैं तो आपको पूरी डिटेल नज़र आती है कि जी आपके डिफ़ॉल्ट यूनिट्स करेंसी क्या है जी, आपके चैनल की इंफॉर्मेशन आ जाती है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है जी आप यहाँ डिफाइन करेंगे, कीवर्ड्स आप यहाँ पर डालेंगे। एडवांस सेटिंग्स में क्या है कि जी आपका चैनल ज़्यादा आजकल यूट्यूब फोकस कर रहे हैं किड्स प्राइवेसी और किड्स सेफ्टी को लेकर, तो अगर आपका कॉन्टेंट किड फ्रेंडली नहीं है तो आप इसको कह सकते हैं कि जी नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर किड्स, या आप अगर सिर्फ किड्स को ही टारगेट कर रहे हैं तो आप येस कर देंगे, लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करनी होंगी, और यू कैन सिंपली आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। इसका मतलब ये कि आपका कॉन्टेंट बच्चे भी देख सकते हैं, बट जब भी आप अपलोड करेंगे ना आप उस वीडियो को अपलोड करने से पहले बताएंगे कि इट इज़ मेड फॉर किड्स और नॉट, ठीक है। देन आप अपने अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना गूगल एड अकाउंट यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी ने कैप्शन जो यूट्यूब पे ऑटो कैप्शन आते हैं उसमें कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड ना आ जाए तो आप यहाँ पे चेक लगा दें, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या कर रहा होता है कि वो ऑडियो को सुन सुन के जो है ना वर्ड्स लिख रहा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो वर्ड जो है ना वो गलत सुन लेता है, तो ऐसा ना हो कि वो गलत वर्ड सुन के टाइप कर दे और आपको जो है ना क्लेम मिल जाए कॉपीराइट या उसका कम्युनिटी गाइडलाइंस का, तो इसलिए कुछ बेहतर है कि ऐसे वर्ड्स दिखाए ना जाए जिसमें YouTube के एल्गोरिथम को कन्फ्यूजन हो। डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप चाहते हैं कि जी लोगों को नजर आए कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप चेक कर दें वरना आप हटा सकते हैं। डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन पर्सनलाइज्ड एड्स विल नॉट बी शोन ऑन वीडियोस ऑन योर चैनल सच एज एड्स बेस्ड ऑन अ व्यूअर्स इंटरेस्ट। आप अगर इसको डिसेबल करेंगे तो आपकी वीडियोज में जो एड्स नजर आते हैं अभी वो रेलिवेंट नजर आ रहे होंगे उस यूजर की जर्नी के हिसाब से, आप इसको डिसेबल कर देंगे तो उसको रैंडमली कोई भी ऐड नजर आ रहा होगा। अब हो सकता है लड़कियों को मैन ब्यूटी क्रीम के ऐड नज़र आ रहे हों और लड़कों को जो है ना वो लॉन के ड्रेसेस के ऐड्स नज़र आना शुरू हो जाए, तो इट्स बेटर के रिलेटिव ऐड्स नज़र आए तो इट्स बेटर। आपने एलिजिबिलिटी जो है फीचर एलिजिबिलिटी देखनी कि आपके क्या क्या फीचर्स हैं आपके पास, जी आपके पास स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, आपके पास इंटरनेट फीचर्स इंटरमीडिएट फीचर्स जो हैं वो एलिजिबल अभी नहीं है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, आप कर देंगे तो आप लॉन्गर देन 15 मिनट्स की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, आप कस्टम थंबनेल्स भी डाल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स भी आप कर सकते हैं, दैट मींस कि किसी और ने अगर आपका कंटेंट यूज़ किया हुआ तो आप उसकी क्लेम भी डाल सकते हैं, या फिर एडवांस फीचर हैं यूट्यूब के, उसके लिए क्या है जी इंटरमीडिएट फीचर सबसे पहले अवेलेबल इनेबल होने चाहिए, वीडियो वेरीफिकेशन, ठीक है, सिंपली लुक एट योर फोन्स कैमरा एंड फॉलो द प्रॉम्प्ट, अच्छा जी तो आपने अपनी वीडियो वेरिफिकेशन देनी है कि हाँ जी मैं ही हूँ इस चैनल के पीछे जो चला रहा है बंदा, आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए, आपकी चैनल की हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। वो चैनल की हिस्ट्री क्या है कि कम से कम फॉर मोस्ट क्रिएटर्स इट यूज्ड टू टेक्स अप टू 2 months, इफ़ यू यूज योर आईडी और वीडियो वेरिफिकेशन टू एक्सेस एडवांस फीचर वी डिलीट इट फ्रॉम योर गूगल अकाउंट, ठीक है जी। तो आपने अपनी चैनल हिस्ट्री बनानी है, मीन्स 2 महीने तक एटलीस्ट अपना चैनल एक्टिव रखना है। इससे क्या होगा जी, क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम्स डेली कर सकते हैं आप, अपलोड मोर वीडियोस डेली, क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, एम्बेड लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हैं, मतलब अगर आप लाइव आते हैं अपनी यूट्यूब पे तो आप उसका लिंक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी पब्लिश कर सकते हैं, आपका कोई ब्लॉग है आप वहाँ पे भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल एट 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4K वॉचर्स, इसके लिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, मतलब 4000 घंटे तक आपका कॉन्टेंट देखा जा चुका हो। अपलोड डिफॉल्ट्स क्या हैं जी, आपकी बेसिक इन्फो चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, टाइटल चाहिए, विजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड, और यहाँ पे आप टैग्स अपने डाल सकते हैं, ये बेसिक जो है ना इसकी अपलोड के डिफॉल्ट्स हैं। तो आप इनको सेट करना चाहते हैं कि जी जब भी मैं कोई वीडियो का टाइटल अभी डालूंगा, लेट सपोज मेरी 10 वीडियो अभी जो है ना वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही आने वाली है, तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह
पहले से ही लिख के रख लें, जब वीडियो अपलोड करने लगेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसमें सिर्फ एडिटिंग कर दें थोड़ी सी। एडवांस सेटिंग्स में क्या आता है जी, ऑटोमेट चैप्टर्स, चैप्टर्स कैन मेक योर वीडियो ईजियर टू वॉच, यू कैन ओवरराइड ऑटोमेटिक चैप्टर्स एनी टाइम बाय क्रिएटिंग योर ओन चैप्टर्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ये क्या चीज़ है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो चैप्टर्स क्या चीज़ है, ब्रेक अप योर वीडियो इनटू सेक्शंस। अच्छा, जैसे आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो नीचे एक येलो कलर की एक लाइन चल रही होती है उस पर, तो उनको चैप्टर्स कहा जाता है। अगर हम कोई बड़ी वीडियो देखते हैं, जो लेट्स सपोज 40 मिनट्स की वीडियो है। Shopify is great. With Twig, it's even better. Here's how. अब ये देख रहे हैं हम Shopify और इनकी बात कर रहे हैं, तो Wix हमें ऐड नजर आ रहे हैं, Shopify के ऐड नजर आ रहे हैं, यहाँ नहीं बने हुए इसके। खैर, आई गॉट द आइडिया कि वो जो है ना, आपकी वीडियो पे ही नीचे येलो कलर के छोटे छोटे से वो आइकॉन जिस तरह के बने हुए आ जाते हैं, एज यू कैन सी, ताकि कोई देखना चाह रहा है आपकी वीडियो, बड़ी लंबी वीडियो है आपकी, तो वो ब्रेक्स ले सकता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, आई कैन पॉज द वीडियो। ठीक है जी, टैग्स में क्या डालते हैं, टैग्स में वही चीजें डालते हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, ब्लॉग राइटिंग के टाइम पे या प्रोडक्ट अपलोडिंग के टाइम पे, ई कॉमर्स पे, जो भी अब वीडियो होगी उससे रिलेटेड आपने टैग्स यूज करने हैं। जी दर आप सर, वो जो टैग्स आप कह रहे हैं, तो ये वो कीवर्ड्स तो नहीं है कि जिसके जरिए वीडियो सर्च होगा? वही चीज है, वही चीज है। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद ऑटोमेटिक चैप्टर्स कर दिया आपने। लाइसेंस होता है एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, ये क्रिएटिव कॉमन्स है, नॉर्मली आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही यूज़ कर रहे होते हैं। कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी में फॉल करती है। लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में होने चाहिए। कॉमेंट्स के लिए जी, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, अलाउ ऑल कमेंट्स, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, डिसेबल कमेंट्स, इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट। आइडियली ये चीज़ सही रहती है कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कमेंट लग रहा होता है, वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है, आप उसको देखते हैं, अगर आपको लगता है ठीक है, आप अप्रूव कर दें, वरना आप डिलीट कर दें। यूजर्स कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, यूजर्स को रेटिंग भी नजर आनी शुरू हो जाए उस वीडियो की। ठीक है, रेटिंग्स आई थिंक वही लाइक और डिसलाइक का रेशियो होगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो की क्या रेटिंग चल रही है। परमिशंस पे अगर आते हैं तो जी, परमिशन क्या है जी, हाँ मैं ओनर हूँ, मैं किसी और को इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ पे, उसका ईमेल एड्रेस और उसको एक्सेस देके कि मैं उसको मैनेजर बना रहा हूँ, एडिटर बना रहा हूँ, लिमिटेड एडिटर बना रहा हूँ, व्यूअर, जिस तरह फेसबुक पे होता था, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर एंड ऑल। अच्छा वैसे आप लोगों को ज़्यादा को पता नहीं है, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इस तरह किसी का भी माइक ऑन हो रहा है ड्यूरिंग द क्लास, तो मैं उसको चुपचाप वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें कि माइक्स पे ना कंट्रोल रखें, सवाल पूछें, बट इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है ना, वो थोड़ा आउट कर देती है मोमेंटम को। ओके, कम्युनिटी मॉडरेटर्स अगर आपको ऐड करने हैं जी, पेज द चैनल यूआरएल ऑफ अ यूजर टू ऐड एज अ मॉडरेटर, कि अगर आपने कोई मॉडरेटर ऐड करने हैं, आप उसके यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ डाल दें। आपका कोई ऐसे अप्रूव्ड यूजर्स हैं, अप्रूव्ड यूजर्स क्या हैं जी, कमेंट्स फ्रॉम दीज यूजर्स आर ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड एंड वॉन्ट बी फिल्टर्ड। तो अगर आपके कोई ट्रस्टेड यूजर्स हैं कि हाँ जी ये रेगुलर कमेंट करेंगे, इनके कमेंट्स आने दो, आप उनके चैनल्स के लिंक यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हाइड कर सकते हैं कि इनको मेरा चैनल दिखाओ ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं जो ब्लॉक्ड वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बुरा लगता है अगर आपके चैनल पे कोई बोले बेकार, लेट्स से, तो आप यहाँ पे अगर वो वर्ड डाल देंगे ना कॉमा डाल के, तो अब कोई भी ये वर्ड दिखेगा ना अगर आपके चैनल पे, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, आप लिंक्स भी ब्लॉक कर सकते हैं। यूआरएल सेंट इन लाइव चैट आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड, इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन न्यू कमेंट्स विद हैशटैग्स एंड यूआरएल्स विल बी हेल्प फॉर यू। तो आप ब्लॉक करेंगे तो कोई भी अपने कॉमेंट्स में भी आपके यूट्यूब वीडियोज में इस तरह के हैशटैग्स या यूआरएल्स नहीं डाल सकेगा। देन अग्रीमेंट्स हैं जी, वो आप यहाँ से लर्न मोर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन यू सेव इट। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो चैनल की सेटिंग्स हैं वो सॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वंस यू हैव डन दिस थिंग, आपने अपना चैनल पब्लिश कर दिया है, आप स्टूडियो डॉट यूट्यूब पे हैं अभी, उसके बाद तो बस काम यही है कि आपने वीडियो क्रिएट करनी है, इधर अपलोड वीडियोस
और गो लाइव या क्रिएट पोस्ट, ये तीन ऑप्शन है इस वक्त यूट्यूब पे। मोस्टली आप अपलोड वीडियोस कर रहे होते हैं, सिलेक्ट फाइल करनी है आपने, आपने कोई भी जो है ना वीडियो पिक करनी है। बाय द टाइम दैट वीडियो इज अपलोडिंग तो आप बाकी सारी चीजें सेट कर सकते हैं कि जी लेक्चर 35 अंडरस्टैंडिंग अपवर्क लेट्स से। तो ये सारी वही उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे ब्लॉग के टाइटल इम्पोर्टेंट थे, जितने हमारे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट के नेम इम्पोर्टेंट थे, जितना इसमें आप अपनी बेटर कीवर्ड रिसर्च यूज करेंगे, जितना आप ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग माइंड सेट ऑफ द यूज़र। अब कोई यूज़र है वो लेक्चर 35 नहीं ढूंढ रहा होगा, वो सिर्फ वो लोग ढूंढ रहे होंगे जिन्होंने सेशन अटेंड किया, उनको पता है कि लेक्चर 35 इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अपवर्क फॉर एग्जांपल। लेकिन मैं तो पब्लिक के लिए अगर इसको ऑन कर रहा हूँ तो मैं इस लेक्चर 35 पे फोकस करने से बेहतर है, क्योंकि मेरे पास एक सर्टन लिमिट है ना 100 वर्ड्स की, मैं बात करूंगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग भी कोई नहीं सर्च कर रहा होगा, वो लोग क्या सर्च कर रहे होंगे, लर्न अपवर्क, ठीक है, इसके अलावा और वो क्या बोल रहे होंगे, How to make money with Upwork and get new clients, इसी तरह की चीज़ें वो सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, Upwork profile भी सर्च कर सकते हैं, create Upwork profile, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आप मज़ीद अभी भी ये थोड़ा जो जी फ्रीलांस वर्क इन अपवर्क, क्योंकि फ्रीलांस का जो जुमला आता है ना सर उसके साथ फिर वो एग्जैक्टली फ्रीलांस का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, मेक मनी बाय फ्रीलांस अपवर्क, ठीक है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन में आप इसको मजीद इलेबोरेट करेंगे। वीडियो जब तक अपलोड हो रही है तो यहाँ पे थंबनेल्स उसके बाद में जनरेट हो जाएंगे, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके पास आइडियली होना ये चाहिए कि आप अपने कस्टम थंबनेल डिजाइन करें फोटोशॉप से, और उसकी जैसे मैं ये पिक्चर्स वगैरह लेके ना कस्टम थंबनेल वो अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक थंबनेल ले लिया, अब जो भी वीडियो देखेगा उसको थंबनेल पे ये नज़र आएगा। इसमें मज़ीद आप एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें मज़ीद आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, जिस तरह आपने फाइवर पे अपना गिग का कवर डिज़ाइन करना सीखा था, मोर और लेस उसी तरह से, ठीक है। देन प्लेलिस्ट, आपने कौन सी प्लेलिस्ट में इसको ऐड करना है, प्लेलिस्ट नहीं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में इस वीडियो को लिंक कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया था कि जी वीडियो हमसे बार बार पूछना बच्चों के लिए है कि नहीं है, मैं अगर इसको कहूंगा यस इट इज मेड फॉर किड्स, ठीक है, तो ये यूट्यूब किड्स का जो एप्लीकेशन होती है ना उसमें भी नजर आना शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगा नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है, बट स्टिल restrict my videos to reviewers over 18, नहीं यार, no, don't restrict my videos to viewers over 18 only, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों के लिए नुकसान दे। अगर कोई 18 साल से छोटा बच्चा सीखना चाह रहे हैं they can do it, मुझे पता है कि इसमें कोई ऐसी इनकी जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं है। वीडियो 60% तक अपलोड हो गई है, आपको नीचे नज़र आ रही है क्योंकि 3 मिनट्स रह गए। वंस द वीडियो इज अपलोडेड या नहीं भी, तो अभी से मैं नेक्स्ट पे जाके वीडियो एलिमेंट्स कर सकता हूँ, ठीक है, सबटाइटल्स में वीडियो के ऐड कर सकता हूँ, एक एंड स्क्रीन में ऐड कर सकता हूँ। वो एंड स्क्रीन क्या हो सकती है भाई, इस तरह की, जैसे आपने देखा है जब यूट्यूब वीडियोस ख़त्म होने वाली होती है यहाँ एक वीडियो आ जाती है, यहाँ सब्सक्राइब का लिंक आ जाता है, यहाँ एक वीडियो आ जाती है यहाँ, तो आप इसमें से टेम्पलेट्स हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन पर ज़्यादा फोकस करना है या आपको और वीडियोज़ दिखानी है अपने चैनल की, तो आप इस तरह की कोई भी जो है एक एंड स्क्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ठीक है, जिसने वीडियो देख ली उसको मैं ये दो वीडियो दिखा देता हूँ कि और आप ये देख सकते हैं और यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें चैनल का आइकॉन आ गया फॉर सब्सक्रिप्शन, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कौन सी वीडियो यूज़ करनी है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कौन सी वीडियो यूज़ करनी है, तो वो मैं अपनी प्लेलिस्ट से निकाल के, अच्छा सॉरी यहाँ पे दोनों वीडियो नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट है आइकॉन देखें और ये वीडियो है, तो मैं यहाँ वीडियो डालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा।
उसके लिए क्या भाई, वीडियो के लिए बेस्ट फॉर व्यूअर यूट्यूब खुद निकाले अभी कौन सी वीडियो देखनी है, मोस्ट रिसेंट अपलोड यहाँ पे नजर आ जाए, या यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लेक्चर 35 है तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो चूज करके लेक्चर 36 सिलेक्ट कर दूंगा ताकि जिसने 35 देखा वो आगे बढ़ता रहे। तो इस तरह आपका वो सीक्वेंस और प्लेलिस्ट चलती रहती है, और यहाँ पे मैं वो पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँ कि NFTP कोर्स, तो जिसको जिसने 35 पढ़ा और वो 1 से शुरू करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाए और दोबारा शुरू कर दे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसकी सॉर्ट कर सकते हैं, तो एंड स्क्रीन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जी जी वो आप जो किड्स का भी बता रहे थे सर, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर जैसे आप अगर किड्स सेलेक्ट कर देते हैं ना, दिस वीडियो इज फॉर किड्स, तो उसके अंदर आपकी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वो बंद हो जाता है। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे कमेंट्स वगैरह इतना ज्यादा नहीं करते ना, तो कुछ फीचर्स होते हैं किड्स वीडियो के लिए कि एक पहली चीज कि वो यूट्यूब किड्स में शो होती है, दूसरा कि उसमें आप कमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके। ऐड कार्ड्स आप कर सकते हैं जी, प्रमोट रिलेटेड कंटेंट ड्यूरिंग योर वीडियो, जब आपकी वीडियो चल रही हो तब भी आप कोई कार्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी किस टाइप का कार्ड चाहिए, वीडियो प्लेलिस्ट या चैनल, हमने कहा जी वीडियो का कार्ड चाहिए, कौन सी वीडियो जी, मुझे लेट्स से ये वाली वीडियो दिखानी है, तो ये देखें टॉप पे जो कार्ड आया ना छोटा सा, इसको कार्ड्स बोलते हैं। वीडियो का टाइटल उसने वहीं से पिक कर लिया, मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगी, ये वीडियो सिलेक्ट करनी है नहीं, कोई कस्टम मैसेज मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। लेट्स सी कि कहाँ शो होता है, मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन पे शो होगा यहाँ पे। हाय एवरीवन, टीजर टेक्स्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल, बट वी कैन सी कि इंस्टेड ऑफ द टाइटल ऑफ द वीडियो अब उसने टीजर टेक्स्ट यहाँ पे दिखा दिया कि हे वॉच दिस, वो क्लिक करे तो अब उसको सारी चीजें नजर आ जाए। देन अगेन आप यहाँ से टाइम स्टैम्प सिलेक्ट कर सकते हैं कि कार्ड आपने इस पूरी वीडियो में कहाँ पे दिखाना है। अब जब वीडियो आपकी चल रही होगी जब वो यहाँ पहुंचेगी ना, तो अब आपको ये कार्ड नजर आएगा, ठीक है। आप इसको मजीद और आगे कर सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे, सर जी इसकी लिमिट होती है कार्ड्स लगाने की, कार्ड्स लगाने की लिमिट मैंने अभी देखा नहीं, कि 3 से देख लेते हैं, 3 से ज्यादा नहीं लगा सकते, 2-3 नहीं, तीसरा नहीं लगा ना, चल लग गया, उसके बाद हम चलिए और देख लेते हैं। 4 अब ये रेड क्यों गया, मल्टीपल कार्ड्स के नॉर्मल चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने 2 लगा दी, प्लेलिस्ट तो है ही नहीं, ये भी कर चुका हूँ, कौन सा रह गया, 4 तो लग गए मेरे ख्याल में, लग सकते हैं ज्यादा भी, ठीक है। तो आप इस तरह के कार्ड्स लगा सकते हैं ताकि वीडियो में आप वीडियो चल भी रही हो आपको लगे कि यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोरिंग हो रही है मेरी वीडियो, या यहाँ से यूजर मेरा स्विच कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये कार्ड लगा सकते हैं कि यू कैन सी दिस वीडियो एज़ वेल। ऐसे कार्ड भी लगा सकते हैं ना जो सब्सक्राइब करेंगे, अभी जो हमने देखा उसमें सब्सक्रिप्शन का नहीं है, उसमें पोस्ट है, वीडियो है, लिंक है, ये दिखा रहा है ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अच्छा, तो जब आप पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप यहाँ पे लिंक्स भी दे सकते हैं, ये रहा चैनल वाला, हाँ मेरे ख्याल में ये चैनल यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये चूज अ स्पेसिफिक चैनल सोनी डॉट पी के, तो आप यहाँ से अपना चैनल डाल सकते हैं। पार्टनर प्रोग्राम वैसी एडवर्टाइजिंग वाले जो मोनेटाइजेशन होती है ना यूट्यूब की, देन यू बिकम अ पार्टनर ऑफ यूट्यूब, तो यूट्यूब आपसे प्रॉफिट शेयर कर रहा होता है। सर जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोनेटाइजेशन के बाद वाली वीडियोस पर आपकी पेमेंट आती है, जो इससे पहले होती है उन पर नहीं आती? नहीं, पहले पे भी आ जाती है।
और अगर मैंने जैसे एग्जांपल आज वीडियो डाली है और अगर जो नेक्स्ट 2 इयर्स बाद भी उसके पेमेंट आ रही होती है या कोई टाइम सर्टेन टाइम पीरियड होता है लाइफ टाइम आ रही होती है अगर वो वीडियो देखी जा रही है तो हां वही अगर व्यूअर्स बढ़ होंगे तो वो लाइफ टाइम आती है कोई सर्टेन टाइम तो नहीं है ना नहीं नहीं कोई ऐसा सर्टेन टाइम नहीं है अच्छा जी अब इन्होंने क्या किया मैं चेक्स पे गया इन्होंने चेक किया कि मेरी वीडियो में कोई कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं है कोई इशू तो नहीं है पहले से YouTube बता देता है कि भाई अगर कुछ इशू है तो उसको सॉल्व कर लो लेकिन क्योंकि पूरी वीडियो हमारी कस्टम है कोई किसी किस्म का म्यूजिक नहीं है कुछ नहीं है तो उसने कोई इशू उसको नजर नहीं आया ठीक है जी अच्छा अभी देखें यह वीडियो SD फॉर्मेट में है वीडियो प्रोसेस हो रही है जब प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो वो इसको HD कर देगा ठीक है चेक्स हमारे ओके हो गए यहाँ से गो अहेड मिल गया कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम विजिबिलिटी पे जाते हैं तो क्या करना है जी आपको अपनी वीडियो को प्राइवेट रखना है कि सिर्फ आप देख सकें अनलिस्टेड रखना है कि सिर्फ जिसके पास वीडियो का लिंक हो वो देख सके या पब्लिक करना है कि भी सब देख सके उसमें भी एक इंस्टेंट प्रीमियर है कि जब आप इंस्टेंट प्रीमियर पर क्लिक करेंगे तो यू एंड योर व्यूअर्स कैन वॉच इट टुगेदर एट द सेम टाइम तो बस जैसे ही वो वीडियो पब्लिश होगी तो आप और आपके व्यूअर्स एक साथ उसको देख सकते हैं या आप इसको शेड्यूल कर दें किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम के लिए ठीक है बिफोर यू पब्लिश एक दफ़ा उसको दोबारा बता रहे कि भाई बच्चे तो नहीं है इस वीडियो में आप अगर हैं तो आप देख लें कि आप उसकी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो और सारी ओवरऑल कंटेंट गाइडेंस देखें आप ठीक है क्या इशू है क्या नहीं है सो फाइनली आपको वीडियो आपकी इस तरह की नज़र आ रही है ये आपका वीडियो लिंक है ब्ला 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 आप इसको यहाँ पे आके सेव करेंगे और यू कैन सिंपली पब्लिश कर देंगे पब्लिश करेंगे तो आपकी वीडियो ये देखें मैंने कैंसिल कर दी तो ड्राफ्ट में सेव हो गई है तो जब मैं कंटेंट में जाऊंगा ये रही मेरी वीडियो मैं इसको यहाँ से मोर एक्शन में जाके डिलीट फॉरएवर कर देता हूँ जी मुझे पता है कि वीडियो डिलीट फॉरएवर का मतलब डिलीट फॉरएवर ही होता है ठीक है जी तो दिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ वीडियो और अपलोडिंग अ वीडियो मोनेटाइज होने के बाद आप पुरानी वीडियोस पे जाके ना आपको उनकी मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ती है तो फिर आप उन पे अर्निंग कर सकते हैं ये चीज़ तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई है कि मेरे चैनल पे वीडियोस वायरल बहुत पहले से हो चुकी थी मोनेटाइजेशन मैंने बाद में ऑन की तो फिर वो पुरानी सारी वीडियोस थी ना उन सब पे मैंने दोबारा से अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन ऑन की थी तो मुझे उनकी पेमेंट्स आने शुरू हो गई आपके अर्ली डेज में आपने कोई चैनल बनाया था हाँ मैंने बनाया था कुछ पैसे वैसे कमाए सर आपने YouTube यार मैंने याद नहीं है बने तो थे थोड़े बहुत मेरे ख्याल में $100-200 कुछ बने थे सर जो YouTube के वीडियोस पे एड्स लग रही होती हैं उसके लिए भी अप्लाई करना होता है क्या ये देखें ये मेरा कोई फर्स्ट चैनल था 16,500 सब्सक्राइबर्स वाला कंटेंट वंटेंट शायद मैंने इसमें से सब डिलीट करके अब बस एक ही वीडियो डाली हुई इसके ऊपर वरना एक मिनट तो कोई और वाला दिखा रहा है ये चैनल था इसकी मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी क्योंकि इसमें ना कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई थी मैंने कुछ सिंगर्स और उनकी वीडियोस वगैरह इसमें डाली हुई थी ठीक है ये प्लेलिस्ट क्या बनी हुई है जी अच्छे जो वीडियो मैंने देखी है वो उस पर आ रही है खाली ये मेरी लाइक वीडियोज़ हैं अगर मैंने किसी वीडियो को लाइक किया और ये भी प्राइवेट है दिस इज़ नॉट पब्लिक अदरवाइज ये चैनल था मेरा 16,000 सब्सक्राइबर्स थे लेकिन मैंने अभी इसको होल्ड करके बस रोक के रखा हुआ है कि कभी अगर मूड होगा तो इसको स्टार्ट करेंगे ठीक है जी क्या सवाल था आपका सर मेरा सवाल ये है कि एक तो नहीं कोई लेडी अभी सवाल पूछ रही थी एक अभी कोई लेडी थी उनका सवाल आ रहा था जिनको मैंने इंटरप्ट किया था इजी भी बता दें फ्रीलांसिंग के लिए दे वांट अ फॉर्म जो ऑफर प्रोवाइड करते हैं और दे वांट अ प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग बैंक अकाउंट के लिए मैंने आपको सबको पहले से ही बताया है कि अपनी अपनी कंपनी खोल लें 1,000-1,500 रुपए में कंपनी खुल जाती है अपने घर के एड्रेस पे खुल सकती है क्या जरूरत है अपने आपको फ्रीलांसर बताने की जबकि आप खुद अपनी एक एजेंसी के मालिक बन सकते हैं अभी से इवेंचुअली तो यही करना है ना फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो गए तो माइक्रो एजेंसी खोलेंगे ना या अपनी कंपनी खोलेंगे तो क्या जरूरत है इसकी इन परेशानियों में पड़े किसी और रीजन में क्या ट्रेंडिंग है वो किस तरह से देख सकते हैं जी जाहिद आप कंटिन्यू करें मैं सवाल
सर मेरे दो तीन सवाल हैं। एक तो ये है कि वीडियो कोई भी हम अपलोड करें तो क्या वो मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिव हो जाती है, या फिर जो है वो एक्टिव मोनेटाइजेशन को एक्टिव करने का कोई ऑप्शन होता है, एक सवाल ये था सर। दूसरा ये था कि अगर ये इसमें होता है ना कि किसी और की आप वीडियो का लिंक या किसी और की वीडियो नहीं डाल सकते तो उसके इनके क्या रूल्स हैं, और तीसरा एक खास क्वेश्चन था वो ये था कि क्या यूट्यूब को पता होता है कि वीडियो कंटेंट जो है वो कहीं और से लिया गया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वीडियो है वो ऑलरेडी रन हुई हुई है चल रही है, लेकिन अगर आप अपने कैमरा से उस वीडियो के ऊपर फिर दोबारा वीडियो बना लें तो लिंक तो आपका अपना होगा और सब चीजें आपकी अपनी होंगी, तो क्या फिर भी यूट्यूब को पता चल जाएगा कि ये किसी वीडियो से कॉपीराइट वीडियो बनाई गई है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप किसी टीवी पे कभी फुटबॉल देख रहे हो, आप उसकी वीडियो बना के अगर आप अपने चैनल पे पब्लिश कर दें चाहे कैमरे से क्यों ना रिकॉर्ड हो, वो फौरन मोनेटाइज होगा। देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर आप 5 सेकंड का भी किसी और का गाना अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं ना उसको पता चल जाता है, और वो बता भी देता है जिसका गाना होता है उसको कि भाई आपका गाना जो है ना यहाँ यूज़ हुआ है। लेकिन अब उसके ऊपर है कि वो चाहे तो क्लेम करे चाहे तो वो कहते हैं चलो जाने दो 5 सेकंड से कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि 30 सेकंड में उन्होंने अपने अपने सेट किए हुए कि जी मेरा गाना जो है ना 15 सेकंड ज़्यादा यूज़ ना करे कोई या 30 सेकंड ज़्यादा यूज़ ना करे, किसी ने अपने कॉन्टेंट को ओपन फॉर पब्लिक रखा हुआ है कि जी कर लो कोई मसला नहीं मैं क्लेम नहीं करूँगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। पहला सवाल जो मोनेटाइजेशन रिलेटेड था वो जब हम मोनेटाइजेशन सीखेंगे उसमें मैं उसका जवाब दूंगा। सेकंड आपके सवाल हो गया है, सेकंड सवाल क्या था आपका? वीडियो सेकंड ये था कि सर लिंक्स वगैरह जो है वो उसमें होता है ना कि आप किसी और की वीडियो का लिंक नहीं लगा सकते। किसी और की वीडियो का लिंक नहीं लगा सकते अपनी वीडियो में? नहीं नहीं, लिंक्स वगैरह तो लगा सकते हैं, एफिलिएट तो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं जैसे किसी और की वीडियो है वो तो हम अपनी वीडियो अपने चैनल पे शेयर नहीं कर सकते ना सर? नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसमें मोनेटाइजेशन होगी सर? उसमें मोनेटाइजेशन उसी को मिलेगी जिसका आपने लिंक शेयर किया होगा। अच्छा मतलब हमारे काम की नहीं है? हाँ उससे आपको डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये हो जाएगा कि आपने वीडियो ये पब्लिश कर दी है जी, तो अगर आपने कीवर्ड सिलेक्शन वगैरह सही की होगी, बल्कि वो भी कीवर्ड में खाली उसी के यूज होंगे। अच्छा फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप गूगल करें अथर, आप लिखेंगे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, ठीक है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर किसी वीडियो के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो मतलब वो डिटेक्ट हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप ऐसे ही बैठ के ना कोई गाना सिर्फ ऐसे ही गुनगुनाए और उसको अपलोड कर दें, वो उस पर भी कॉपीराइट दे देते हैं कि आपने जी ये किसी और का गाना गाया। देन आई स्टॉप पोस्टिंग, तो सर जब दोबारा पोस्ट करूंगी तो लाइक आफ्टर मंथ तो मेरा चैनल स्टिल मोनेटाइज रहेगा? मोनेटाइज आपका चैनल एक मोनेटाइजेशन की ना एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके लिए एक साल तक मेरे ख्याल में रहता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, या मोनेटाइजेशन जब शुरू करेंगे ना तब इसको डिस्कस करेंगे, अभी इट्स टू अर्ली, कल परसों की क्लास में हो जाएगा। जी अजान पूछे सर, वो कुछ इस तरह से था कि जैसे ड्रामा पब्लिश होता है हम टीवी का, तो जैसे ही वो पब्लिश होता है ना तो उसकी पहले से मोनेटाइजेशन कॉपीज उन्होंने कॉपी करके अपना अपना ऊपर टैग लगा के चैनल का, तो वो पोस्ट कर देते होते हैं, तो वो जो उनको व्यूज आते हैं ना तो जो पोस्ट करता है वो मोनेटाइज उसको जाता है, वो इस तरह से होता है, वो मोनेटाइज उनको खुद जाता है, ये नहीं कि जिसने जिसने रियल ओरिजिनल पोस्ट किया वो उसको नहीं जाता। हाँ। जो पोस्ट करता है वो मोनेटाइज उसको जाता है। Exactly, इस तरह से जो ओरिजिनल पोस्टर होता है उसको मोनेटाइजेशन मिलती है और बाकी सब एफिलिएट्स हो जाते हैं जो ट्रैफिक भेज रहे होते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। इसी तरह से ठीक है, म्यूजिक जवाब मैंने बताया, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक सर्च करें आपको मिल जाएगा। गूगल एड्स पे सिर्फ एक अकाउंट सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं जी, एक गूगल अकाउंट से एक ही, गूगल एड्स पर सिर्फ एक अकाउंट सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। गूगल एड्स पे तो आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, लेकिन यूट्यूब अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए एक गूगल अकाउंट पे एक। अच्छा जिनका सवाल था कि ट्रेंड कैसे चेंज करेंगे, एक ये बता देंगे वीडियोस, एक मिनट, किसी ने पूछा था कि जी लोकेशन कैसे चेंज करनी है, वो सिंपल है, आप जब यूट्यूब खोलेंगे आपको यहाँ पे आपकी आईडी नज़र आ रही होगी, आपने यहाँ पे जाके लोकेशन पाकिस्तान से अगर आप फॉर एग्जांपल मोरक्को सर्च कर देते हैं तो अब आपको जब आप एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आपको मोरक्को का कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये उनका ट्रेंडिंग कॉन्टेंट।
इसी तरह आप स्विच करें, आप तो वही अमिताभ बच्चन दिखा रहा है सर, कहाँ दिखा रहा है, अभी चेंज किया ना मैंने, स्क्रीन चेंज हुई है, एक्सप्लोर पे गए ना तो नजर आएगा, होम पे तो वो आप ही की प्रेफरेंस दिखा रहे हैं कि जिन चीजों में आप इंटरेस्टेड हैं या जो चीज़ें आपकी जियो लोकेशन को देख रही है। एक्सप्लोर पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग वीडियोज है ना, ये सारी आप देखें, सारी अरबी में लिखी हुई है, ये सारी मोरक्कन जो है ना कॉन्टेंट है। इसी तरह आप इसको चेंज करके अगर फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं जी कहाँ करें, कहाँ चलना है, सिंगापुर अगर चलते हैं, तो अब यहाँ पे देखें सारा सिंगापुर का कंटेंट आना शुरू हो गया जो वहाँ पे पड़ोसी दिखाया है सर, पड़ोसी दिखाया है मैं, पड़ोसी, अरे छोड़ो पड़ोसियों से इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो। सर ये बताएंगे अगर हमारा एक ब्लॉग है और उस ब्लॉग में हम जो है वो वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब की, तो वो लोड जो है वो ब्लॉग पे पड़ेगा या यूट्यूब की वीडियो जब चलेगी तो यूट्यूब पे पड़ेगा? के दोबारा सवाल पूछे। अगर हमारी एक वेबसाइट है उसमें हमारा एक ब्लॉग है और हमने एक वीडियो जो है वो बनाई और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो वो अगर वीडियो हमने अपने ब्लॉग में अपलोड की तो उसका जो लोड है, लोड टाइम, वो वेबसाइट से जाएगा, वेबसाइट के सर्वर से जाएगा या फिर वो यूट्यूब पे? अगर आपने उसको हाइपरलिंक दिया हुआ है ना यूट्यूब की वीडियो को, आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पे, तो वो सारा लोड YouTube पे जाएगा। तो जब हम वो हाइपरलिंक देंगे तो उसमें स्क्रीनशॉट में वो वीडियो शो करेगा, मतलब एक इमेज टाइप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। कौन से एक चैनल था जिसमें मैंने की थी YouTube वीडियो कॉल? अच्छा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा जो है ना बस इसको कंक्लूड कर दूं जो अभी हम कर रहे थे। हम थोड़ा मोनेटाइजेशन की तरफ से देख रहे थे, सेटिंग हो गई थी, वीडियो हमने अपलोड भी कर दी थी, ठीक है। ठीक है बस जस्ट गिव मी अ मिनट, ये दो स्लाइड्स रह गई, इनको जल्दी से हम कवर करते हैं। कस्टमाइज चैनल फिर आपने किस तरह से करना है जी? जब आप चैनल बना रहे होंगे यहाँ से तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं, आप चैनल का एक आर्ट होता है जो कि कवर फोटो कह लें उसको आप अपनी, ठीक है। जैसे अगर आप इस चैनल पे जाते हैं तो इसमें अभी कोई चैनल का चैनल आर्ट अपलोडेड नहीं है, ठीक है। अब हम ब्रांडिंग पे जब जाते हैं तो यहाँ पे बैनर इमेज जो है ना यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी चीज़ मैं यहाँ अपलोड करूँगा वो मेरी जो है ना यहाँ लेआउट पे कवर पे नज़र आ जाएगी मेरे वीडियो के, मतलब एक छोटा सा एक ऊपर एक कवर फोटो आ जाती है उसकी, जो अगर हम लेट्स से किसी और चैनल देखते हैं, अगर लेट्स से देखते हैं तो ये जो कवर आया ना दिस इज द चैनल कवर, और दिस कुड बी लाइक जो हम कह रहे हैं चैनल आर्ट, ठीक है राइट। ओके राइट अबाउट योर चैनल एंड अबाउट सेक्शन ऑफ द चैनल दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग। फिर उसके बाद चैनल वेरिफिकेशन आपने करनी है, वो किस तरह होगी जी? studio.youtube.com या क्लिक करेंगे क्रिएटिव स्टूडियो पे और वहां पे आप जाएंगे क्लिक वेरीफाई अंडर योर चैनल नेम, or simply go to youtube.com/verify, select your country, select verification method, call your SMS, enter your number and click submit. You will get a code on your mobile, put that code back and click verify. Congrats, your channel is now verified. Same चीज जो हमने अभी discuss की कि इस तरह से आप अपने basic channel की verification करवा सकते हैं। Other than that, वो जो हमने video call वाली अभी उनकी वो बातें सुनी थी settings में जाके कि आपको अपने चैनल की एडवांस सेटिंग करना हो कि अगर ग्रो करना है आपको तो आपको अलग अलग किस्म की जो है ना अप्रूवल्स चाहिए होंगे, तो उसमें एक वीडियो कॉल वाला भी था। ठीक है तो हम इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं अभी के लिए, आई थिंक इट्स इनफ। बाकी कल जो है ना कंटेंट अपलोडिंग हमने देख ली थी, अपलोड हो गए, लाइव कैसे जाना है, पोस्ट कैसे करना है ये देखते हैं, प्लेलिस्ट किस तरह से बनेगी
एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स, ठीक है, फिर उसके बाद कॉपीराइट और मोनेटाइजेशन वगैरह भी कल देखते हैं हाउ इट कैन गो. अच्छा, मोनेटाइजेशन के जस्ट एक रिव्यू देख लें, एक मिनट दीजिएगा, कि एज अ यूट्यूब पार्टनर यू विल बी एलिजिबल टू अर्न मनी फ्रॉम वीडियोस. तो उसके लिए आपको क्या करना है जी, इनकी गाइडलाइंस या इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करना है. 1000 सब्सक्राइबर्स कम से कम चाहिए आपको, 4 पब्लिक वॉच आवर्स हैं भी मेरे पास, मुझे 4000 रिक्वायर्ड है, 4000 पब्लिक आवर्स, वो भी सिर्फ एक साल में मेरे ख्याल में, ठीक है. देन टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसका लिमिटेड टाइम होता है, इसका लिमिटेड टाइम होता है, मोनेटाइज होने में 1.5-2 साल लग जाते हैं, तो ये लिमिटेड होता है, इसमें जितनी मर्जी देर लगे आपको. ये चैनल कब से चल रहा है, ऑल द वीडियो कम है, ब्रांड है, बट इसके सिर्फ अभी 4 आवर्स आपकी जितनी भी वीडियो, टोटल जितनी भी आपकी वीडियो है ना, उन सब का वॉच टाइम जो होता है ना, वो यहाँ पे ऐड होता है, वो यहाँ पे ऐड होता है. हाँ, मतलब इसको इस तरह से आप समझ लें कि आपकी एक वीडियो है 5 मिनट की, अगर एक यूजर ने उसको देखा तो 5 मिनट काउंट हो गए, लेकिन अगर 10 लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा तो वो 50 मिनट काउंट होंगे, 100 लोगों ने काउंट किया तो वो 500 मिनट काउंट होंगे. उसको जब आप फिर डिवाइड करेंगे आवर्स में तो वो कुछ आवर्स बन जाएंगे, 10-12 घंटे लेट सपोज बन गए. तो आपने कोशिश करनी है अपनी वीडियो के 4000 घंटे पूरे करने, इस तरह से. सर अगर कोई जैसे ब्लैक हैट होती है एसईओ में, अगर इसी तरह कोई बिठा दे बंदे और वो बार-बार वीडियो देखते रहे, फिर तो YouTube को पता चल जाता है कि सिमिलर आईपी से ये चीज हो रही है, वो आपके वॉच आवर्स उस वक्त तो शायद अलाउ कर दे, मोनेटाइजेशन ऑन भी कर दे, थोड़े टाइम बाद जैसे उसका गूगल का क्रॉलर चलेगा और उसको पता चल गया कि भाई ये ट्रैफिक जो आया है वो जो है ना सस्पिशियस सोर्सेस से आया है, तो वो आपका चैनल बंद करेगा, मोनेटाइजेशन बंद करेगा. ठीक है, बड़ा कूल सा नाम दे दिया ब्लैक हैट को, सीधा सीधा फ्रॉड है ये चीजें नहीं करें, मतलब दिस इज इलीगल, दिस इज अनएथिकल चीजें. ओके जी, कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. एक ओके, किसी के कोई सवाल तो नहीं है? पत्थर, क्या सवाल है? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. जी सर, सवाल मेरा ये था सर कि वो आपने जो अनाउंस किया था कि हम लोग आपकी एजेंसी के साथ अटैच हो सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, उसकी प्रोग्रेस का पूछना था सर. उसकी प्रोग्रेस भी हम यही करेंगे कि इंशाल्लाह जो मीटअप होगा ना, तो मैं उसमें कुछ आपको हैंडआउट्स दे दूंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी दैट यू माइट नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, टू अंडरस्टैंड द वर्क, और उसी के ही मटेरियल की एक पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, जिसमें से आप जो है ना अपनी रेलेवेंट रिसोर्सेज निकाल के उसको यूज कर सकेंगे अपने प्रपोजल्स में. ठीक है सर. और सर आपसे एक थोड़े 5-10 मिनट एक्सक्लूसिव चाहिए थे सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी के लिए मेरे क्लाइंट की, तो वो हम करते हैं फिर इंशाल्लाह सैटरडे सर. ओके सर, थैंक यू. जी मरियम सर, जो YouTube की वीडियोस के अंदर आपकी एड्स आ रहे होते हैं तो वो उसका क्या प्रोसीजर होता है? वो हम जब Google Ads सिखाएंगे ना तब करेंगे. वो Google Ads होते हैं बेसिकली, जिस तरह Facebook Ads हमने चलाने सीखे हैं उसी तरह Google के Ads चलते हैं, और वो ज्यादातर जो ना आपको यहाँ YouTube वीडियोस के अंदर नजर आ रहे होते हैं, और वैसे तो ऐड बनते हैं. मर्जी से लगा सकते हैं कि कौन सा हमारी वीडियो के अंदर आ रहा है, नहीं ये यूट्यूबर जो होता है ना वो सिर्फ कैटेगरी डिफाइन कर सकता है कि मुझे इस तरह के ही एड लगाओ मेरे चैनल पे. जैसे अभी हमने देखा YouTube वीडियो अपलोड करते टाइम उसने पूछा था कि क्या आपको रेलेवेंट एड्स दिखाएं आपके यूजर के या इररेलेवेंट एड्स दिखाएं. इसके अलावा जो अपलोडर होते हैं, जो एड बना रहा होता है, वो ये सब सिलेक्ट करता है कि भाई मेरा जो चैनल है वो आपने, मेरा जो एड है वो आपने इस टाइप के चैनल्स को ही दिखाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मेन ब्यूटी क्रीम है तो आप चाहेंगे कि जी वो न्यूज चैनल्स पे दिखा दो, जो लोग न्यूज दे रहे हैं, जो करंट अफेयर्स पे बातें कर रहे हैं. अब चांसेस ये हैं कि भाई लेट्स से कि मैन जो है वो कुकिंग शो नहीं देख रहे, तो कुकिंग शो पे आप नहीं चलाएंगे अपना एड, तो वो एडवर्टाइजर के ऊपर होता है कि वो किस तरह से जो है इसको सेट करता है अपनी प्रेफरेंस को. सर ये पेड होता है,
जैसे आपकी वीडियोस पे जब व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर जब वो यूट्यूब देखता है कि आपकी वीडियोस में 100K 500K व्यूज आ रहे हैं, तो फिर वो अपना एड आपको देते हैं कि हम आपको $10 पे करेंगे, आपकी वीडियो के अंदर हमारा एड चलेगा 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, इस तरह से होता है सर। जी बिल्कुल जी दरा। वो पेड सर मुझे ये पूछना था कि आप कह रहे थे कि जैसे कि हम वीडियो के अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर वो कॉपीराइट के इश्यूज दे देता है। अब जैसे किसी की वीडियो के गाना आता है, बहुत दफा लोग ऐसा होता है कि जैसे वो टिकटॉक वीडियो या कोई शादी के अंदर किसी के कोई प्रीमियर बना होता है जी सर, वो लगाते हैं वीडियोस और वो अपने प्रमोशन के लिए कर रहा है, तो सर फिर तो उस पर भी क्लेम आता होगा। आता है। लेकिन सर कंटेंट इसमें अगर कोई किसी की शादी की वीडियो लगा रहा है, अपने कोई फोटोग्राफी का काम कर रहा है जैसे, तो वो तो अपनी प्रमोशन के लिए कर रहा है, तो ये तो उसके लिए मसला नहीं है, अब उसका तो काम ही यही है। नहीं, आप नॉर्मल वीडियो बनाए, आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और आपके रेडियो पे कोई गाना चल रहा है, तो यूट्यूब उस गाने को भी उठा के आपको कॉपीराइट क्लेम दे देगा। तो सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, जैसे क्या आप किसी तरीके से मतलब कोई ऐसा होता है कि परमिशन ले ले, क्योंकि नॉर्मली तो सर आप, सॉन्ग्स तो हाँ, यूट्यूब की परमिशन तरह इस तरह चलते से हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग या तो उस पे एक जो है ना वो डालते हैं अपना। अच्छा, मैं इसकी थ्योरी समझाता हूँ कि लोग या तो पहले ही जो है ना एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि जी ये मैंने जो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ जो है ना एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ले रहा हूँ, या मैं जो हूँ ना इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर रहा व्हाट्स एवर। या दूसरा तरीका क्या होता है, उसके बाद भी अगर कॉपीराइट क्लेम आते हैं, देखिए कॉपीराइट क्लेम अलग चीज़ है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग चीज़ है। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है कि जी जिसका कंटेंट है ना, जिस जो वीडियो या जो गाना आपने यूज़ किया, तो वो जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहते हैं ठीक है मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ, जितनी दफ़ा भी ये वीडियो देखी जाएगी उसके पैसे मुझे मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। और उसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि या तो वो पूरे पैसे मैं लूंगा या आधे आधे कर लूंगा, कि भाई आधे इस कंटेंट क्रिएटर को मिल जाए, आधे मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्लेम्स आप कर सकते हैं। तो ये जितनी वीडियोस आप देख भी रहे होते हैं ना, उसमें क्लेम हुआ हुआ होता है, या तो हाफ क्लेम हुआ हुआ होता है या फुल क्लेम हुआ हुआ होता है। नहीं हुआ हुआ होता तो जस्ट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उनके लिए लेकिन तो कुछ बेनिफिशियल है ना, उनका गाना या उनकी ऑडियो तो जितनी ज्यादा वायरल नहीं, हो जाएगा नहीं तो नहीं वैसे नहीं भी यही चाहते हैं। उनके लिए बेनिफिशियल इस तरह से नहीं है कि उन्होंने अपना वो गाना अपलोड किया हुआ है ना यूट्यूब पे, एंड दे वॉन्ट व्यूज टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, दे वॉन्ट पीपल टू कम ओवर देयर। जैसे आप किसी बड़े स्टूडियो ये कौन सा है टी सीरीज की कोई वीडियो लगा लें, कोई गाना लगा लें अपने वीडियो पे, वो फॉरन आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा, वो क्लेम नहीं करेगा, वो कहेगा निकालो इस वीडियो को, डिलीट करो फॉरन, 3 स्ट्राइक पे आपका यूट्यूब चैनल बंद है। तो इसीलिए बड़ा आपके ना फोकस और बड़ा संभल के आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। चले गाइज, रैप अप करते हैं और कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।